गुड मॉर्निंग, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर और मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशबाश होंगे। अगर खुशबाश नहीं है तो अपना मूड अच्छा कर लें। हफ्ते का आगाज है, आई नो बहुत मुश्किल होती है मंडे को सुबह सुबह उठने की भी, एनर्जी के साथ अपना दिन स्टार्ट करने की भी, और ये सोचने की भी कि अभी तो पूरे 5-6 दिन बचे हैं फिर दोबारा से छुट्टी आने और नींद पूरी करने में। लेकिन इस वक्त पूरे मुल्क को जरूरत है कि आप जो भी किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं अपने अपने शोबे में अच्छे तरीके से काम करें और अपने लिए भी कमाएं, अपने मुल्क के लिए भी कमाएं और खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। यही मेरा हर वक्त मैसेज है कि प्यार मोहब्बत और अमन के साथ रहें। क्या खूबसूरत बात आपने की है, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने नजम, वेरी गुड। आपने इतनी खूबसूरत बात सबसे वेरे कर दी है कि पीसफुल रहें, दूसरों को अमन के साथ रहने दें, दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें, खुशियां बांटें, खुश रहें और दूसरों की छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल भी रखें। अच्छा, ये तो हो गई जनाब बात कि आपने दूसरों को खुश रखना है, लेकिन मेरे पास एक खुशखबरी भी है। मैं इसको खुशखबरी ही कहूंगी, इसी से आज के प्रोग्राम का आगाज कर लेते हैं। खुशखबरी ये है कि बहुत से लोग जो इंतजार कर रहे थे अल्लाह ताला के घर जाएं हज के लिए, जिन लोगों ने अपनी टिकट्स वगैरह बुक करवा ली थी, उनकी रवानगी का आगाज हो चुका है और पहली फ्लाइट पहुंच भी चुकी है। मदीना मुनव्वरा जी, पहली फ्लाइट पहुंची और मजीद तफसीलात क्या है वो हम जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना फहीम असलम की इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि 20 मई से ये ऑपरेशन का आगाज हुआ और पीटीवी की जानिब से, सुबह पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कोशिशें की जा रही है। हम आगे भी प्रोग्राम्स करते रहेंगे, हज की मिनिस्ट्री से भी लोग आ रहे हैं और उलमा हजरात भी हम शामिल कर रहे हैं ताकि हज के जितने भी हम लोग कवायद जवाबित हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो डू एंड डोंट्स हैं, उसके ऊपर रोशनी डाल सकें। बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों से इन फ्लाइट्स का आगाज हुआ है ना, इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, और इस्लामाबाद की जो फ्लाइट थी उनको रुख्सत किया है जनाब वफाकी वज़रा ने। सेंटर तलहा महमूद मौजूद थे, शाहज़ैन बुख्ती साहब मौजूद थे और सऊदी सफी नवाफ बिन सईद अल मालकी, इन सब ने रुख्सत किया। पहली फ्लाइट पहुंची है, एयरपोर्ट पे क्या मनाजिर थे, क्या सूरत हाल है, उस पर रिपोर्ट दिखाते हैं आपको राना फहीम असलम जी। कराची से आने वाले अल्लाह के मेहमानों का मदीना एयरपोर्ट पर डायरेक्टर जनरल हज मिशन अब्दुल वहाब सोमरो, कौंसलेट जनरल खालिद मजीद समेत मक्का और मदीना में पाकिस्तानी हज और मेडिकल मिशन के आला हुकाम ने वालेहाना इस्तकबाल किया। इस मौका पर आज़मीन हज को फूल, खजूर और दीगर तहाइफ पेश किए गए। आज़मीन ने हज इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। यहाँ पर पाकिस्तानियों के इतना अच्छा इस्तकबाल यहाँ हमें मिला और इस जगह पर आकर ऐसी खुशी महसूस होती है कि बस यहाँ के होके रह जाएं। बस इतना परफेक्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जितना अच्छे परफेक्ट इंतजाम है। जो लोकेशन है होटल की बिल्कुल माशाल्लाह हरम के सामने है। बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ, कराची एयरपोर्ट से ही स्टार्टिंग से बहुत ही अच्छे से हमें लेके चल रहे हैं। खुशी इजहार नहीं कर सकते ना, बस बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। यहाँ पहुँच कर हमें अंदाज़ा नहीं था कि अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ उतरेंगे और सामने ही रोज़ा रसूल होगा, तो ये देख के ही आंखों में आंसू और जो है ना कैफियत ही एक अलग हो जाती है। और ये जो हमारे मेहमान हैं जो हाजी हैं, तो हम स्पेशल इनकी खिदमत के लिए, ताकि इनके जो मसाइल हैं वो फौरी तौर पे हल कर सके। मदीना मुनव्वरा में सरकारी रिहायशगाह पर आज़मीन जैसे ही पहुंचे तो उनका वालेहाना अंदाज में फिर इस्तकबाल किया गया और उन्हें तहाइफ पेश किए गए। आज़मीन हज के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हो गए हैं और मदीना में इस वक्त आज़मीन की आमद जारी है। राना फहीम असलम, पीटीवी न्यूज़, मदीनतुल मुनव्वरा। हज की फ्लाइट्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो आप लोग देख रहे थे इस वक्त रिपोर्ट, और आगे भी इसी हवाले से हम आपको अपडेट रखेंगे। हज के ऊपर प्रोग्राम्स भी हम लोग करते रहेंगे ताकि आप लोगों को मज़ीद भी उसके बारे में जानने का मौका मिलता रहे। और हमारी दुआ है कि जितने भी हाजी गए हैं, गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है, ख़ासतौर पर सऊदी अरब में गर्मी की काफ़ी लहर होती है, तो उसमें वो लोग भी महफूज रहें और अल्लाह उनका हज कबूल फरमाए। आमीन। आज ख़वातीन हज़रात एक अहम दिन है और इसको कहा जाता है हयातियाती तनवु के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर यह दिन मनाया जाता है। 90 की दहाई में अक़वामे मुत्तहिदा ने सबसे पहले इसका सलमा आगाज किया था और फिर उसके बाद इसको कंटिन्यूसली बढ़ाया जा रहा है। ब्राज़ील के शहर ड्यूडी में सबसे पहले इसको शुरू किया गया था अर्थ कॉन्फ्रेंस के मौके पर, और इसका मकसद यह था कि हमारे माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देना और यहाँ पर स्पीशीज जितनी भी मौजूद हैं, चरिंद परिंद मौजूद हैं, ज़ेरे ज़मीन और ज़ेरे समंदर भी, सतह समंदर से नीचे जो जो सी भी स्पीशीज मौजूद है उनको तहफ़्फ़ुज़ देना इस दिन का मकसद होता है। इस दिन को बुनियादी मकसद ये भी है कि तमाम लोगों को हयातियाती तनवों के बारे में आगाह किया जाए। नजम, 1992 में एक अर्थ कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्राज़ीलियन सिटी रियो डी जनेरो में, जो कि बहुत खूबसूरत सिटी है जिसके बारे में कहा जाता है। अब इस ये जो अर्थ समिट थी, इसमें ये मंजूर की गई थी करारदाद के
दुनिया भर में 22 मई का दिन जो है उसको मंसूब कर दिया जाएगा हयातियाती तनवो के तहफ्फुज़ के लिए। अब जब हयातियाती तनवो की बात करते हैं उसमें तमाम जितनी भी लिविंग स्पीशीज़ हैं वो आ जाती हैं, उसमें इंसान भी शामिल है। अब दिन मनाने का मकसद बेसिकली ये है कि इंसानों को आगाही फराहम की जाए कि इस माहौल में जितने भी चरिंद परिंद जानवर मौजूद हैं या जितनी भी जीती जागती चीज़ें हैं उनका तहफ्फुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हमने माहौल को पोल्यूट कर दिया, हमने अपनी बिल्डिंग्स को बहुत एक्सपेंड कर लिया, शहर फैलते चले गए और हमने क्या किया कि जंगलों को भी अपनी आबादी में शामिल कर लिया। जंगलों में जो रहने वाली मखलूक थी, जो पानियों के अंदर रहने वाली मखलूक थी, उसके लिए हमने मुश्किलात पैदा कर दी। तो इन सारी चीज़ों के लिए कुछ बेहतरी की जानिब कदम रखा जाए, इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। और फिर जब हम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की बात करते हैं, अभी हमने जितना कुछ भुगता है उसके बाद हमने जितनी माहौल की कदर करनी शुरू की है, जितना हमने उसको सेव करने के लिए एफर्ट शुरू किए हैं, यही है हयातियाती तनवो के लिए भी वही सारे SOPs हैं कि हमने अपनी ज़मीन को साफ रखना है, अपने प्लानट को साफ रखना है, पानी को आलूदा नहीं होने देना, ज़ाया भी नहीं होने देना। इन सारी चीज़ों का तहफ़ हमारी ज़िम्मेदारी है ताकि हमारी तरह के जितने जानदार इस दुनिया में मौजूद हैं वो नायाब ना हो जाए, नापैद ना हो जाए, वो भी इसी तरह से बाकी रहे। हम सुनते हैं ना कि कोई ऐसी नस्ल थी ख़ास किस्म की किसी परिंदे की, या कभी हम डायनासोर के बारे में सुनते हैं कि कदीम ज़बानों पाया जाता था, उसकी बाक़ियात मिले हैं, तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न यही है कि हमने इससे पहले माहौल का ख्याल नहीं रखा। हाँ, तो माहौल का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप बता रही थी, तो हम लोग एक और ये खूबसूरत सी जगह, आपने ड्यूडी का जिक्र किया, तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया में भी एक छोटा सा गांव है और इतना पुरकशिश और मशहूर कौन किस्म का ये गाँव है कि आप लोग उसको देख कर बहुत ही हैरान भी रहेंगे और बहुत ही खुश भी होंगे कि इतने खूबसूरत खूबसूरत इलाके मौजूद हैं। इवन पाकिस्तान में भी बहुत मशहूर हैं, लेकिन वहाँ की ख़ास बात यह है कि मकामी अफराद जो हैं वो सयाहों की तादाद इतनी बढ़ गई थी कि वो इतने परेशान थे, उन्होंने वहां पर कई मकामात पर अब रुकावटें भी खड़ी करना शुरू कर दी थी। सेल्फियां बनाते थे और डिज्नी की फ्रोजन फिल्म जैसा ये दिखाई देता है, और क्या ही खूबसूरत वो फिल्म थी। और आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर भी मनाजिर मौजूद हैं। COVID-19 की वबा से पहले यहाँ पर सालाना 10 लाख अफराद आ रहे थे, ताहम कुछ सुकून के बाद सिर्फ 800 अफराद के छोटे से देहात में अब रोज़ाना 10,000 से ज़ायद सयाह आ रहे हैं। और इस छोटी सी जगह पर लोगों के जो है सेल्फियाँ लेने से रिहायशियों की ज़ाती ज़िंदगी काफ़ी मुतासर हो रही थी। और ये आप लोगों के लिए मैसेज है, ये यहाँ पर एक मैसेज है कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से तो इन्होंने ये खबर शेयर की, लेकिन हमारे पाकिस्तानी जितनी भी ऑस्ट्रेलिया के हवाले से तो खबर हम लोगों ने शेयर की, लेकिन आप लोग जब मूव करते हैं हमारे नॉर्दर्न एरियाज में तो वहाँ पर भी उनकी ख़वातीन मौजूद होती हैं जो खेतों में खुलेआम काम कर रही होती हैं, इवन कश्मीर के अंदर। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखा करें कि अक्सर वहाँ पर ड्रोन लोग उड़ा रहे होते हैं जो घरों के ऊपर से गुजर रहा होता है, कई दफ़ा लड़ाई झगड़े का भी ये बायस बनते हैं। तो इस चीज़ से लड़ाई झगड़ा ना हो, इसको अवॉइड करने के लिए इन चीज़ों को ज़रा ना देखा करें, ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, साइंस तरक्की कर रही है ये हम आपको रोज़ बताते हैं, लेकिन उसके अंदर क्या क्या हो रहा है ये भी हम आपको बताते हैं। ओपन हार्ट सर्जरीज़ के बारे में आपने सुना होगा, बहुत से लोगों को कोई भी दिल का मसला होता है तो होती है। अब सर्जरीज डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, कभी आपके वॉल्व्स का इशू होता है कि वो बंद हो रहे होते हैं, उनको रिप्लेस किया जाता है, उनको खोला जाता है, लेकिन दिल भी रिप्लेस होता है आपको पता है। और जब इंसानी दिल को निकाला जाता है exactly. तो आई डोंट नो वो दिल कहाँ चला जाता है, लेकिन एक ऐसा दिल भी है, एक खातून की एक सर्जरी हुई थी जिसको जिंदगी बचाने के लिए जो मस्नूई दिल लगाया गया, उसके बाद उनका दिल बाहर निकाल के म्यूजियम में रखा गया। फिर खातून ने 16 साल के बाद सोचा कि अब मुझे, मैं किसी दिल पे तो ज़िंदा रह रही हूँ लेकिन अपना जो असली दिल था उसको देखूं। फिर खातून ने म्यूज़ियम में जा के विज़िट किया, अपना दिल देखा, और ये वो दिल था जो सर्जरी के बाद निकाला गया था, और ये लंदन में हुआ था वाकया। और लड़की ने कहा कि ये बहुत अनबिलीवेबल बात थी, और वैसे मेरे लिए एज़ व्यूअर अनबिलीवेबल बात ये थी कि ये वो वाला दिल बिल्कुल भी नहीं है जो हम हर चीज़ पर ऐसे ऐसे बनाते हैं ना। हाँ। एक ऐसे वाला दिल बनाते हैं रेड कलर का, कभी उसमें क्रॉस बना देते हैं, कभी वो दरमियान से ये दिले नादा है। ये असली वाला दिल है। ये दिले नादा असली वाला जो है ना दिल वो मौजूद है। अच्छा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक इनकलाबी वो कहते हैं ना कि स्टेप लिया है, और वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्किन एक उन्होंने इजाद की है। या आप लोगों की स्किन को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, जल सकती है या कुछ भी होता है, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक स्किन उन्होंने इजाद की, और ये अहम संगे मील कहा जा रहा है इसको उबूर करना। साइंसदानों का दावा है कि इस स्किन को छूने पर हकीकी स्किन का एहसास देती है, और ये उन अफराद के लिए एक उम्मीद की किरण है जो मायूस हो चुके थे कि खासकर मस्नूई अज़ा को असल की तरह महसूस किया जा सकता है। क्या बात है, ऐसी स्किन अगर पैदा हो गई है तो खास तौर पे ये उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है
जो बर्न केसेस होते हैं, जिनकी स्किन जल जाती है, दोबारा स्किन आने के लिए उनको इतना इंतज़ार करना पड़ता है, इतना तकलीफ दे अमल होता है वो, तो ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है साइंस और जस्ट लाइक अ रियल वन मेडिकल के शोबे में. एग्जैक्टली. अच्छा, हम हाई राइज बिल्डिंग्स की हमेशा बात करते हैं कि बहुत से शहर ऐसे हैं, जैसे दुबई के बारे में कहा जाता है हाई राइज बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सी सिटीज़ में शहर फैले ना इसलिए जगह ज़मीन पे बचाने के लिए ऊपर की तरफ बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं. नुकसान क्या हुआ है? न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स की वजह से उसका वेट इतना ज़्यादा हो गया कि अब ख़तरा ज़ाहिर किया जा रहा है जनाब, क्या पता नहीं क्या होगा. जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है यूएस में और इसमें ये बताया गया, यूनिवर्सिटी ऑफ रोड आइलैंड की टीम ने रिसर्च की, फिर उन्होंने बताया कि हर साल 2.75 मिलीमीटर की रफ्तार से एक मिलीमीटर तक जो है वो ये शहर डूब रहा है, न्यूयॉर्क जो है. और रिसर्च ये बताती है कि न्यूयॉर्क शहर की तमाम इमारतों का वजन तकरीबन 842 मिलियन टन है और न्यूयॉर्क के साहिल, दरिया या झील के किनारे पे जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो आने वाले दिनों में सैलाब के खतरे का इजाफा कर सकती हैं. यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने खबरदार किया है कि सतह समंदर में इजाफा हो रहा है बेसिकली. सतह समंदर में इजाफा अल्टीमेट है होना, क्योंकि देखें वजन की वजह से शहर की सतह नीचे जा रही है और पानी की सतह ऊपर जा रही है क्योंकि बारिशें हो रही है. देखें एक बोझ बर्दाश्त करने की कैपेसिटी होती है ना हर चीज की, तो जमीन की भी होगी डेफिनेटली. होगी हाँ, ऑब्वियसली होगी, होती होगी, इसीलिए तो रिसर्च हुई है. हाँ, रिसर्च कौन सा सही भी हो सकती है, लाजमी बात है. कम ऑन, क्या बात. अच्छा, आगे बढ़ते हैं और आप जिक्र करते हैं यास्मीन डार का, पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि वैसे ही अच्छी खबरें बहुत अच्छी लगती हैं कि जब इस तरीके से आ रही होती हैं कि पाकिस्तान का फेस दुनिया भर में तरक्की कर रहा है. सो यास्मीन डार पाकिस्तान से ताल्लुक रखती हैं और ये पहली मुस्लिम निजाद लॉर्ड मेयर मुंतखब हो गई है मैनचेस्टर सिटी की. और गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक यास्मीन डार के खिलाफ किसी ने वोट नहीं डाला, जो कि एक और खुशाइंद बात है कि बिला मुकाबला वो मुंतखब हुई हैं. और कौंसलर अख्तर जमान बोल्टन सिटी काउंसिल के डिप्टी लीडर, कौंसलर राजा मोहम्मद अयूब, ये तो ऐसा लग रहा है कि हमारे रावलपिंडी या किसी कराची के इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, जिधर हम लोग जिक्र ये कर रहे हैं कि अख्तर जमान साहब है और कौंसलर राजा मोहम्मद अयूब खान मेयर ऑफ बोल्टन काउंसलर, और हाजी मोहम्मद फयाज साहब ने, ज्यादा होंगे ना, हाजी मोहम्मद फयाज साहब ने मेयर का हेल्प उठा लिया. क्या बात है, तो अब तो पूरा मैनचेस्टर सिटी पाकिस्तान हो गया. वैसे भी मिनी मैनचेस्टर भी फैसलाबाद है, इसी तरह वहां पे ज्यादा पाकिस्तानी बसते होंगे तो उसको भी मिनी पाकिस्तान कहते होंगे. अच्छा, अब जनाब बहुत सारी बातें तो हमने कर ली, लेकिन लोग इंतजार कर रहे होंगे कि हमने मौसम के बारे में नहीं बताया. तो मौसम के बारे में जो पेशगोईयां थी, मैं अगेन उसको खुशखबरी ही कहूंगी, क्योंकि वो इम्कानात से ज़्यादा खुशखबरियां होती हैं. जब गर्मी के मौसम में पता चलता है कि बारिश होने वाली है बहुत सारे इलाकों में, कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश और कहीं पर यालाबारी भी एक्सपेक्टेड है 22 से 26 मई के दरमियान. तो कहाँ पे बारिश, कहाँ पे यालाबारी होगी, अगर मैं बता दूंगी तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा. तो हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद. बिल्कुल जी, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं. और लेकिन उससे पहले ये भी हम लोग जिक्र करते रहे कि आपने जिक्र किया था ना कि इस वक्त गर्मी की शिद्दत जो है, खुशखबरी का जिक्र किया कि 22 से ऑनवर्ड ये है, लेकिन इस वक्त जो है वो गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने जा रहा है और ये हमारे पास सबसे पहली खबर है. तो आगे हम लोग जो है वो जानते हैं. हाँ, गर्मी बरकरार है, अभी तो टेम्परेचर 45 तक है, लेकिन आगे बारिशें होनी है जी. तो हम लोग, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमें डीजी पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट महर साहिबजाद खान साहब. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए. खैरियत से आप? जी बिल्कुल खैर खैरियत है. आप सुनाए, क्या हाल है जनाब? ठीक बेहतरीन सर. आपकी पेशगोईयों के सहारे पूरा पाकिस्तान चल रहा है इस वक्त, तो क्या कहेंगे, क्या सूरत हाल देख रहे हैं ये करंटली, आज कल परसों, और जिस तरीके से सलमान ने मेंशन किया था कि बारिशों और यालाबारी के ऑनवर्ड. जी बिल्कुल जी, कल रात, आज रात हमने एडवाइजरी इशू की है एक, जो कि हमें अनुमानात नजर आ रहे हैं आगे आने वाले दिनों में मौसम के. तो मौसम में बिल्कुल जी काफी शिद्दत लग रही है. एक थोड़े से दिन जो है वक्फे वक्फे से पूरा हफ्ता जो है, जिसके लिए फोरकास्ट हमने दी है, हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं या कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, केपीके के कुछ इलाके हैं, यहाँ पे तो बारिशें मतवक्को हैं. और इन इलाकों में जो जालाबारी या ये वो, जालाबारी तो हमारे पोठवार रीजन में भी अक्सर हो जाती है, मरी और ये हमारे जितने भी हैं अटक या इसके आसपास, तो ये मौसम जो है ये आप कह सकते हैं कि ये होना नहीं ऐसा चाहिए. देखें, मैं आजकल कपास की बुआई का सीजन था हमारे पंजाब में या कुछ इलाके जो सिंध के हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर टेम्परेचर जो है ना कपास के लिए, उसकी काश्त के लिए वो नहीं मिल रहा.
तो ये कोई अच्छी बारिशें नहीं है। ये जैसे हम कहते हैं ना कि जी क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले साल ड्राउट आ गया या दूसरे मानसून की बारिशें आ गई, तो मई जो होता है हमारा महीना मानसून की पेशगोई के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि जी ये चीजें वो ट्रिगर करती हैं मानसून को जो साउथ ईस्ट से हमारे पास आती हैं। इस महीने में जितनी ज्यादा गर्मी होती है हम कहते हैं कि जी उतनी मानसून अच्छी होने के चांसेस हैं। तो अब भी जो है आपने देखा होगा कि जी कुछ दिन टेम्परेचर अभी देखें हमारे पास जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर गया है ना जैकबाबाद में कल परसों मेरा ख्याल 48 डिग्री सेंटीग्रेड गया है, लेकिन ये टेम्परेचर एक जगह पे गया है, कल टेम्परेचर फिर थोड़ी सी ऐसी कोई मॉइस्चर मिल गया और टेम्परेचर थोड़े से फॉल हो गए। तो ये बारिशें वक्ती तौर पे तो हमें अच्छी लग रही हैं, हम खुशियां मना रहे हैं, लेकिन फसलों के हिसाब से जो है आगे इसका इम्पैक्ट जो अच्छी बारिशें नहीं है, लेकिन सर जो मैदानी इलाकों में या शहरों में रहने वाले लोग हैं वो तो कहते हैं कि चलें गर्मी कम हो जाएगी। आपने कहा कि मानसून के साथ इसका बड़ा ताल्लुक है। देखें अभी तक अगर आप देखें ना तो आपकी पावर जो है उसको काफी रिलीफ मिल रहा है, इतनी गर्मी नहीं है कि लोग एसी चले, इतने ज्यादा एसी भी नहीं चल रहे, तो वो तो कई जगहों पे फायदा भी हो रहा है कई जगहों पे जो है ना, लेकिन हम ज़रई मुल्क हैं, हमारा इनासार जो है ना वो ज्यादा अपनी ज़राइत पे है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हमें लगता है। बाकी मौसम अच्छा हो जाएगा, वक्फे से बारिशें जो जनूबी पंजाब तक जाएंगी, आंधियां भी चलेंगी, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है। तो क्या मानसून मुतासर होगा इन हालिया बारिशों से? बिल्कुल होता है मुतासर, मैंने पहले बताया आपको कि मानसून बहुत ज्यादा मुतासर होगा क्योंकि मानसून के एक्टिव के लिए ये सीजन जो है ये खुशक होना चाहिए था। सही। तो क्या देख रहे हैं सर जो मौसम होता है ये हवस का, खास तौर पर अगस्त सितंबर का, वो कैसा नजर आ रहा है? अगर देखे ना मानसून ज्यादा नहीं होगी इतना तो फिर गर्मी ज्यादा होगी। तो इसका क्या हमें ये एंड ऑफ ईयर नवंबर दिसंबर में सर्दियों पे भी फर्क पड़ सकता है? बिल्कुल, ये चीजें तो फिर चेंज होती रहती है ना, ये आगे पे जितना भी होता है उसका इम्पैक्ट आगे नहीं आ जाता है। अच्छा, तो मैंने बताया ना कि असल चीज है पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, इन बारिशों का जो है ना आप देखें मानसून की बारिशें कम होंगी ना तो हमारे पास हमारे दो रिजर्वायर हैं उनके वो उस पर फर्क पड़ता है, पानी नहीं आता उनमें, तो वो फिर पूरा साल पानी आपने इस्तेमाल करना होता है मंगला और तरबेला में। अच्छा, क्या ये सिर्फ पाकिस्तान का वेदर ही चेंज हो रही है या ओवरऑल ग्लोबली ये चेंज आ रहा है? ग्लोबली है इसका इम्पैक्ट, लेकिन पाकिस्तान पे कुछ इसके असरात ज्यादा हैं। तो क्या उसकी वजह ये है कि हमारे नेबर्स में जो है ना, यानी दो कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे ग्रीन हाउस एमिशन गैसेस काफी ज्यादा है, चाइना और इंडिया। सही। तो हमारा अपना तो इसमें कार्बन डाई या ये जीएचजी एमिशन इतना ज्यादा नहीं है जो हमें इसका वो पड़ सके। अच्छा, बलूचिस्तान के ऊपर जरा नजर डालें, बलूचिस्तान क्या बता रहा है? बलूचिस्तान में भी बारिशें हैं क्योंकि ये वेस्टली वेव से ज्यादा आजकल इम्पैक्ट चल रहा है, तो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी बारिशें हैं, रात भी खुजदार और उसके आस पास के जो इलाके थे ना वहाँ पे बारिश हुई है। तो अगर थोड़ी सी, चूंकि आपको पता है कि बलूचिस्तान में नदी नाले या हिली एरिया काफी ज्यादा है, तो वो थोड़ा सा फौरन पानी आ जाता है और लोग ज्यादा मुतासर होना। अच्छा सर, गुज़श्ता सालों में जब मई का महीना सिर्फ गर्मी होती थी, खुश्क होता था महीना, तब हम देखते थे मानसून में सैलाब का भी खतरा बढ़ जाता था, डैमों में पानी की सतह बुलंद हो जाती थी। अभी तो सर बारिशें काफी कम हो रही हैं, जो अभी मई के महीने वाली बारिशें हैं, अगर मॉनसून इफेक्ट होगा दैट मींस कि मॉनसून में बारिशें कम होगी, अभी जो हो रही हैं उनका पैटर्न वैसा दिखाई नहीं देता कि सैलाब वगैरह आए, तो क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? सैलाब वगैरह का खतरा तो नहीं होगा आने वाले? सैलाब देखें, ये तो बारिश का ये है ना कि एक ही अच्छी बारिश हो जाए तो वो सैलाब जनरेट कर जाता है। ओके, वो तो कोई ऐसी बात नहीं है, वो अगर वक्फे से होती रहेंगे तो सेटल होता रहता है मामला, लेकिन ये है कि जी खतरा रहता है कि जी हम ये नहीं कह सकते कि जी थोड़ी बारिश में जो सैलाब आते हैं ना वो किसी वक्त भी किसी जगह पे कोई बारिश हो जाए तो वो जनरेट हो जाता है। अच्छा, अगर नॉर्दर्न एरियाज की बात करें तो वहां पर क्या सिलसिला चल रहा है, खासतौर पर गिलगित बल्तिस्तान? वहां पे भी गर्मी ज्यादा होगी तो आपके जो वैसे उन इलाकों से वो जो स्नो मेल्टिंग इम्पैक्ट होगा उससे थोड़ा सा पानी, ग्लेशियर आपके जो है ना वो जो ग्लॉफ ग्लेशियर लेक आउट बस्ट जो है ना वो झीलें बनी हुई हैं उनके आउट बस्ट होने का खतरा काफी ज्यादा होता है। तो लेकिन उसका ये हो जाएगा कि हमारे तरबेला पे पानी का इफेक्ट अच्छा आ जाएगा। हाँ। लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा कि नीचे तो बारिश होती रही लेकिन ऊपर गर्मी की वजह से
तरबेला जो था वो बार वक्त भर गया था, तो उसका इम्पैक्ट है कि गर्मी की वजह से वो थोड़ा। लेकिन ऑलरेडी फूड सिक्योरिटी एक बड़ा चैलेंज है, तो हमें दुआ ये करनी चाहिए कि बारिश रहमत की बारिश साबित हो, क्योंकि बारिश की वजह से हमारी ज़राअत ये बारिश है। मैं बता दूं कि मैं अल्लाह ताला, ये देखे अल्लाह ताला की निज़ाम है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हम तो वो देख के तो बता देते हैं कि ये कुछ आने वाला है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि ये अच्छी नहीं है बारिश। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया महर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, डीजी पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, और उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि आप लोग खुश रहें, पावर में अच्छा, पावर की वजह से अच्छा है कि बारिशें हो रही हैं तो लोड कम पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी खबरदार किया कि ज़रई मुल्क है और बारिशें अब ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि बारिश हो रही है, जो आप कुछ बना रहे हैं, तो ये वाकई एस्पेक्ट हम लोग शहरों में रहते हुए नहीं सोचते कि हमारा मौसम ठंडा हो जाता है लेकिन हमारी फसलें मुतासर होती हैं। ऑलरेडी सैलाब की वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ फसलों के शोबे में, ज़रात के शोबे में, तो अभी क्योंकि कपास का टाइम है तो हमें दुआ करनी चाहिए कि उन इलाकों में जो फसलें हैं वो पक कर तैयार भी हो जाएँ, कट भी जाएँ, ताकि जो हमारे किसान भाई हैं उनका नुकसान भी ना हो और हमें जो ओवरऑल एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है उसका सामना ना करना पड़े। बिल्कुल जी, और ये सिलसिला बस चलता रहे इसी तरीके से और हमारा मुल्क जो है वो सेफ रहे, सैलाब जैसी सूरत हाल दोबारा ना पैदा हो, बारिशों से अल्लाह ना करे ऐसी सिचुएशन हो। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब हम लोग वापस आएंगे और फिर हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हम टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, कहीं मत जाएँ, सुबह पाकिस्तान के साथ रहें। पाकिस्तान हमें बेमिसाल कुर्बानियों से मिला है, आज हम आज़ाद फिजाओं में सांसें ले रहे हैं। एहतजाज हर पाकिस्तानी का आइनी बुनियादी हक है, एहतजाज करें लेकिन पुरमन एहतजाज, पुरमन एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दी, जलाओ गिराओ, तोड़ फोड़, गाड़ियों को नजरियातश करना, दफातर को नजरियातश करना, ये पुरमन एहतजाज नहीं है। फौज हमारी है, इस फौज ने बेमिसाल कुर्बानियाँ दी हैं, हमें अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। आज प्रोग्राम में खबर शेयर की थी आर्टिफिशियल स्किन जो क्रिएट की गई है किस तरह से वो हेल्पफुल हो सकती है फ्यूचर में, लेकिन जो मौजूदा स्किन है अगर इसके साथ मसले मसाइल हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या ऑप्शंस हैं, ये हम गाहे बगाहे बताते भी रहते हैं। आज भी कुछ ऐसी ऑप्शंस की बात करेंगे, एक तो होती है कॉस्मेटिक सर्जरी, कुछ लोग तो पूरा मेकअप भी परमानेंट करवा लेते हैं, उसमें लिपस्टिक भी शामिल होती है, उसमें वो पीबी ग्लो कहते हैं, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाती है, रंग भी गोरा हो जाता है, और इसके अलावा लोग आईलैशेस भी लगवाते हैं, लोग माइक्रो नीडलिंग आईब्रोज के लिए करवाते हैं, स्किन के लिए मुख्तलिफ लेज़र ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं, सारे ऑप्शन से मेरा ख्याल है आज बात कर ली जाए। आपके मुस्कुराने की जो मुझे समझ में आ रही है कि सलमा को सारा कुछ पता है क्या क्या होता है। हाँ, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि क्या क्या नई नई चीज़ें आती जा रही, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट है और इसमें सिर्फ और सिर्फ वो इन्हिसार एक मेकअप पे जो था उससे हट के जरा कंसिस्टेंसी के साथ जो है ना वो कोई चीज आई है। देखिए टाइम की बचत है, एक दफा मेकअप कर लिया बस सुबह उठे मुंह धोए और ऑफिस। सही बात है। सो हमारे साथ मौजूद हैं स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर मुबशिर मुश्ताक डाहा साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग, गुड मॉर्निंग, खैरियत से आप? गुड मॉर्निंग जी, आई एम गुड डॉक्टर साहब। इतनी थेरेपीज का और इतने सिलसिलों का जिक्र किया तो आई डोंट नो स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास सवालात हैं उससे मुतालिक हम लोग करते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट जो है
ये बहुत कॉमन है, लेकिन लेज़र ट्रीटमेंट होती किस किस चीज़ों के लिए? क्योंकि कई दफ़ा तो लेज़र ट्रीटमेंट जो हमें बताई जाती है, जो हम सुनते रहे हैं, वो बालों के लिए बालों के लिए भी है, फिर जो स्किन पे मोल्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ लोग कहते हैं, फिर स्किन फेयर करने के लिए भी कुछ लेज़र ट्रीटमेंट्स हैं, तो ये क्या मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं लेज़र की भी? अच्छा, मैं अब सरप्राइज हो रहा हूँ कि आप लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन है, तो मैं पब्लिक को क्या बताऊँ? सब कुछ तो आपने बता दिया हुआ है। हमें इनिशियल इनिशियल अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी आजकल पब्लिक में अवेयरनेस इतनी बढ़ चुकी हुई है ड्यू टू स्पेशली सोशल मीडिया कि बहुत सारी चीज़ें उनको ऑलरेडी पता होती है। और जब हमारे पास वो आ रहे होते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल करते हैं कि वी फील लाइक दैट कि वो हमारा एग्जाम या इम्तिहान लेने के लिए आ रहे हैं ना, हमसे ऐसे सवाल पूछ रहे होते हैं। कमिंग टू दी पॉइंट, जो आपने सवाल किया है कि लेज़र ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन सी टाइप्स के लेज़र्स हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसान हैं और किस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, मैं आप पहले ये बात बताऊँगा कि लेज़र डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स आर अवेलेबल फॉर हमारे जो एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स के लेज़र्स हमारे पास हैं कि जो हम डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो भी हम लोग लेज़र यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मेडिकल डॉक्टर्स, डर्माटोलॉजिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट जो लेज़र यूज़ करते हैं वो FDA अप्रूव्ड होते हैं और उनके हेल्थ में बेनिफिट तो होता है, लेकिन उसके कोई ड्रॉबैक्स नहीं होते इस तरह के। FDA फेडरल ड्रग अथॉरिटी इज USA अथॉरिटी है, जो कि कोई भी नई मेडिसिन, कोई भी नया प्रोसीजर, कोई भी नया डिवाइस जो कि मेडिकल साइंस में यूज होता है उसकी पहले वो अप्रूवल देते हैं। सर, एक और चीज, एक मैंने इंटरव्यू देखा किसी स्किन स्पेशलिस्ट का क्लिप मैंने देखा, शी सेड के FDA के अंडर ये जो मशीन्स होती हैं ये इस कैटेगरी में फॉल नहीं करती जो ड्रग अथॉरिटी है, इज दैट ट्रू? देखिए, ड्रग अथॉरिटी के अंडर मशीन इस तरह से फॉल करती हैं कि जो प्रोसीजर नया लॉन्च होगा तो उसकी अप्रूवल उनकी तरफ से जरूरी है। मशीन की मैन्युफैक्चरिंग FDA नहीं करता, लेकिन FDA अप्रूव जरूर करता है कि जी कि आपने ये मशीन ह्यूमन बॉडी पे यूज हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम कमिंग टू द लेज़र। लेज़र की जहाँ तक मैं बात कर रहा था, तो लेज़र डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मोल रिमूवल की बात की आपने, मोल रिमूवल के लिए अलग लेज़र होता है। हेयर जो रिमूवल के लिए जो आपने बात की कि हेयर रिमूवल ये होता है कि मोस्टली खवातीन के फेसेस के ऊपर या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी पे और हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, उसकी कोई हार्मोनल इम्बेलेंस होता है, डिफरेंट अदर टाइप अदर रीजन है उसकी, उसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है उसको कम करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है। स्किन की रिजुविनेशन के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है, स्किन ग्लो को इम्प्रूव करने के लिए लेज़र का इस्तेमाल होता है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेज़र्स, लेकिन सारे लेज़र सेफ़ हैं अगर आप एक्सपर्ट हैंड से करा रहे हैं और प्रॉपर क्लिनिक से करा रहे हैं तो। अगर तो किसी ऐसी जगह से करा रहे हैं जिसको हमारी अथॉरिटीज़ ने उसको रेगुलेट नहीं किया हुआ या लाइसेंसिंग नहीं है उनके पास, तो उसके फिर डैमेजिंग के चांसेस होते हैं। ऑब्वियसली, लेकिन वैसे ये सेफल है। सो आपके पास लेज़र से रिलेटेड जो केसेस आ रहे हैं इसकी तादाद ओवर द टाइम बढ़ती जा रही है या कुछ अल्टरनेट वेज भी आते जा रहे हैं अब? देखें, ग्रेजुअली टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। हाँ, ग्रेजुअली कॉस्मेटिक्स और एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स इंप्रूव हो रहे हैं। हमारी तो जो हमारे जो प्रोसीजर्स हैं उनमें इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि वो रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड हो रहे हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक दैट कि जो आज से पांच साल पहले जो हम प्रोसीजर कर रहे थे वो वैसे ही चल रहे हैं। इसी क्या यही वजह है कि डॉक्टर्स में भी बहुत इजाफा होता जा रहा है डर्मेटोलॉजी में? आई मे से दैट, मतलब हम ये बात कह सकते हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, इसमें अब जो चीज क्लियर करने की जरूरत है वो ये है कि कुछ मेडिकल डॉक्टर्स हैं जो कि एस्थेटिक्स ही प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ फाइन इनफ। उसमें हमारी तरफ से जो PMDC की तरफ से भी अलाउ है, हमारे हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की तरफ से भी अलाउ है। कॉस्मेटोलॉजिस्ट के नाम से ना डिफरेंट लोग हैं कि जिन्होंने मेडिकल साइंस में कुछ नहीं पढ़ा हुआ, MBBS नहीं किया हुआ, कुछ ऐसा पढ़ा हुआ नहीं है और कुछ कोर्सेज करके उनको पता ही नहीं है कि स्किन के अंदर है क्या। स्किन की देखें ना, हम तो मेडिकल साइंस में पूरा पढ़ते हैं, ड्यूरिंग MBBS में पूरा उसकी एनाटॉमी सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, फिर जब हम पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ आते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर उसमें मजीद इन डेप्थ नॉलेज दिया जाता है हमारी रिस्पेक्टिव फील्ड का। तो इसलिए जो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट की, थेरापिस्ट की, वो लोग अगर ये प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें फिर साइड इफेक्ट्स के या इस तरह की चीज़ों के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनको वो प्रॉपरली क्वालिफाइड नहीं होते और उनको इन चीज़ों का इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता। ठीक, डॉक्टर साहब, HIFU क्या है? क्या ये भी लेज़र टेक्नोलॉजी है? बिल्कुल लेज़र टेक्नोलॉजी है। HIFU इज हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड। ओके, HIFU होता क्या है कि ये फैट मेल्टिंग के लिए यूज़ होता है और मोस्टली ऐसा होता है कि डबल चिन या अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी जहाँ पे फैट एक्युमुलेट हो जाता है तो उसको ये मेल्ट करता है, जिसके मेल्ट करते हैं, फ्रोज करता है, नहीं, फ्रीजिंग इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज क्लैटो। जो फैट फ्रीजिंग का प्रोसेस और है वो भी बॉडी में फैट को बाहर निकालता है बॉडी से, और जो HIFU है वो भी बॉडी से फैट को बाहर निकालता है। तो उसका जो है क्लैटो इज फॉर फैट फ्रीजिंग और जो HIFU है दिस इज फॉर फैट मेल्टिंग, दोनों फिर बॉडी से बाहर निकलते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊं कि रिसेंटली तकरीबन 8 महीने 10 महीने पहले
एक मशीन आई थी पाकिस्तान में दैट इज कॉल्ड एमस्कल्प्ट, वो कहा जाता है कि आपके बॉडी पार्ट्स के लिए ना, ख़ास तौर पर आपके पेट के लिए, एब्डोमिनल्स के लिए आपके, बहुत अच्छी है और वो तकरीबन इक्वलेंट है 20,000 क्रंचेस के, उसका एक सेशन। सो हाउ इज़ दैट पॉसिबल डॉक्टर साहब, के मशीन से आपके ये जो है ना, ये किस हद तक कम हो सकता है फैट आपका? अच्छा देखें, यहाँ पे ना मेरी एक थोड़ी सी डिफरेंट ओपिनियन है, वो ये है कि एक तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन होती है कि जी कि हम थोड़ा सा ना शॉर्टकट्स की तरफ जाएं। हाँ, इस तरह आपने बात की है ना कि आपको अगर फॉर एग्जांपल बॉडी को शेप अप करना है, अपना वेट रिड्यूस करना है, आपने अपनी डबल चिन ख़त्म करनी है, बॉडी से फैट कम करना है, तो हम किसी भी लेज़र्स की तरफ चले जाएं, जिस तरह आपने बताया इस तरफ चले जाएं, या फिर हम हाइफो करा लें, हम क्लेटो करा लें, कोई भी लेज़र करा लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फ़र्क पड़ता है? देखिए फ़र्क ज़रूर पड़ता है, लेकिन एक स्टेज आती है जिसके बाद हम भी रिकमेंड करते हैं कि आपको करा लेना चाहिए। बट द पीपल लाइक यू, आप यंग लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास आप जैसे कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी स्मार्ट होते हैं और वो मजीद उस पर फोकस्ड होते हैं कि जी कि हमने मजीद स्मार्ट होना है, वेट रिड्यूस करना है, डबल चिन कम करनी है, तो मैं तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल रिकमेंड करता हूँ कि अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, एक्सरसाइज करें, डाइट कंट्रोल करें, जिससे आपकी ऑटोमेटिकली वेट और ये चीजें कम हो जाएंगी। क्योंकि उस सेशन के बाद जो आपको एक पेपर दिया जाता है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं वो भी सारी इतनी एक ही होती हैं एक डेढ़ महीने के लिए कि आप वैसे भी उसको करके ना एक कैलोरी डेफिसिट पूरा आपका हो जाएगा। नहीं वो ठीक है आपकी बात, कैलोरी डेफिसिट भी जरूर होता है, लेकिन ऑलरेडी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए वो ये वाली होनी चाहिए कि आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके ना उसको कम करें। फिर एक स्टेज आती है कि जब स्टबर्न फैट होती है कि जो कि बॉडी से रिमूव नहीं होती, जस्ट लाइक हमारा बेली एरिया होता है, चिन एरिया होता है, यहाँ पे जो फैट एक्युमुलेट होती है वो बहुत मुश्किल से जाती है, उसके लिए फिर लेजर्स और इस तरह की चीजें हम रिकमेंड करते हैं कि आप ये कराएं और फिर उसके बाद उसके रिजल्ट्स भी बड़े अच्छा। ठीक डॉक्टर साहब, बैक टू द पॉइंट, कॉस्मेटिक्स के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स किए जाते हैं, कुछ तो लेजर ट्रीटमेंट्स का तो हमने जिक्र कर दिया, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं और कुछ लेजर सर्जरीज भी होती हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं? खास तौर पर आजकल लिप्स बड़े करने के लिए, उनका कलर अच्छा करने के लिए, ये अंडर आई फिलर्स, ये इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, क्या ये चीज़ें सेफ होती हैं? जी बिल्कुल सेफ हैं, और जो लिप्स बड़े करने के लिए हम लोग फिलर करते हैं, अंडर आई फिलर्स करते हैं, हम लोग लाफ लाइन फिलर्स करते हैं, दे आर क्वाइट सेफ, और लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि एक्सपर्ट हैंड से होने चाहिए। अगर इसके साइड इफेक्ट की तरफ चले जाएं तो नेक्रोसिस होती है, जिसकी वजह से आपके पूरा का पूरा वो जो बॉडी पार्ट होता है इंक्लूडिंग वो लिप्स है या लाफ लाइन है या अंडर आई है, वो बुरी तरह डैमेज हो जाता है। वो फिर दोबारा अगर आप मेडिकल डॉक्टर से नहीं कराएंगे तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बजाय इसके कि उसकी ब्यूटी इन्हांस हो, वो पूरा का पूरा बॉडी पार्ट डैमेज हो सकता है, तो इसलिए इस चीज़ का खास ख्याल करना चाहिए। दूसरा जो आपने इंजेक्टेबल की बात की, इंजेक्टेबल अब डिफरेंट फॉर्म्स में हमारे पास हैं, जस्ट लाइक कि हम पीआरपी करते हैं फेस की रिजुविनेशन के लिए, स्किन ग्लो के लिए भी आपने बात की है, तो स्किन ग्लो के लिए भी हम पीआरपी करते हैं जो कि इंजेक्टेबल फॉर्म में होता है कि जी हम ब्लड लेते हैं। पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, उसमें हम ब्लड लेते हैं बॉडी से और उसका प्लेटलेट रिच प्लाज्मा प्रिपेयर करते हैं, और फिर जो लोकल एरिया होता है जहाँ पे पिगमेंटेशन ज्यादा होती है, जहाँ पे स्किन रफ हो रही होती है, तो वहाँ पे हम उसको इंजेक्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह का है कि क्या आपके इस सरफेस का, लेट्स से आपने इस एरिया करना है तो यहाँ के सेल्स डैमेज हो चुके हैं, तो उसको दोबारा से एक्टिव करना थ्रू द ब्लड प्रोसीजर, आपके ब्लड सेल्स की जो है वो ग्रोथ को बढ़ाना, या कुछ इस तरह के प्रोसेस है? देखिए इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, हम लोग अपने ही ब्लड से बॉडी अपने मतलब जिसका हम पीआरपी कर रहे होते हैं उसी का ब्लड लेके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा अलग करते हैं। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसको हम पीआरपी बोलते हैं उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। हाँ, जब भी हम जो आपने सवाल किया कि जब भी हम उस एरिए पे फॉर एग्जाम्पल फेस पे हमने वो लगाया, पहले हम उसकी माइक्रोनीडलिंग करते हैं और उसके बाद उसको लगाते हैं, या फिर दूसरी ऑप्शन है कि हम उसको इंजेक्ट करते हैं। दोनों सूरतों में वो ग्रोथ फैक्टर्स वहाँ जाके वहाँ पे उस एरिया में ब्लड सप्लाई को इन्हांस करते हैं, जिसकी वजह से रिजुविनेशन होती है और न्यू सेल्स बॉडी के फॉर्म होते हैं, स्किन के फॉर्म होते हैं, कोलेजन प्रोडक्शन होती है, जिससे स्किन ग्लो इम्प्रूव होती है। सर, लेजर्स, इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट्स या जैसे आपने पीआरपी का जिक्र किया, ये सारी चीजें किस एज में स्टार्ट करनी चाहिए, स्पेशली फॉर फीमेल्स? देखिए फीमेल्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने, हर दूसरा बंदा मुझसे ये सवाल करता है, इसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इट डिपेंड्स कि आपके पास, हमारे पास ये भी ऑप्शन देखने में मिली है कि 18 साल की बच्चियां आती हैं, और 18 साल की बच्चियों में क्या होता है जी कि 18 साल की बच्चियों में हेयर ग्रोथ फेस के ऊपर इतनी बढ़ चुकी होती है कि हमें उसके लेज़र की तरफ जाना पड़ता है, और एट टाइम ऐसा होता है कि जो गर्ल्स हैं वो 30+ होती हैं, इवन देन उनको लेज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती।
तो मतलब दिस इज नॉट के एज एज स्पेसिफिक नहीं है कि जी कि अगर फॉर एग्जांपल 30 के बाद हम लोग ये प्रोसीजर करा सकते हैं या 20 के बाद करा सकते हैं या 40 के बाद करा सकते हैं। अच्छा, नॉट लाइक दैट। अपने आप को बूढ़ा समझे करा ले। अच्छा, बूढ़ा समझे नहीं, एज पर द रिक्वायरमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करें, अगर तो रिक्वायरमेंट होगी तो वो डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे। ठीक है, अब जब हम लोग जिक्र करते हैं लोगों को, आपने जिक्र किया डबल चिन, तो डबल चिन कम करने का मकसद ही है कि आपकी जॉ लाइन अच्छी बने। जॉ लाइन अच्छी हो, बिल्कुल। जॉ लाइन के लिए दो चीजें, एक तो आप कह रहे हैं कि डबल चिन को कम करने के लिए प्रोसेस है, ठीक है, वो आपने करवा लिया, लेकिन उसके अलावा भी कुछ लोगों की ना शेप होती नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए भी आप लोग कुछ करते हैं क्या, यहाँ से स्किन को स्ट्रेच करना या इस ये जो बिल्कुल चिन का ही आपका पार्ट होता है इसको इन्हेंस करना? देखिए, उसके लिए हमारे पास ना दो ऑप्शन है, एक तो हम लोग थ्रेड्स कर सकते हैं, हाँ, और दूसरा हमारे पास है कि हम यहाँ पे फिलर कर सकते हैं। ठीक है, जॉ लाइन को प्रॉपर उसका एंगल को शार्प करने के लिए हम लोग फिलर भी कर, डिसॉल्व हो जाते हैं बाद में थ्रेड्स, ये होता है कि उसको लिफ्ट करता है। हाँ, 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 बिल्कुल, हम लोकलाइज लोकलाइज हम बोलते हैं कि उसी एरिया में हम थ्रेड इंसर्ट करते हैं जो कि उसको मैकेनिकल लिफ्ट देता है, जिसकी वजह से उसका एंगल शार्प हो जाता है, और क्या होता है कि जी वो जो हमारा टिश्यूज होते हैं उनको लिफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से उसका एंगल भी शार्प होता है और जॉ लाइन भी बेहतर हो जाती है। कितने अर्से के? अप्रोक्सीमेटली वी में से कि 2.5 ईयर टू 3 ईयर्स, मतलब 2.5 से 3 साल तक इसका इफेक्ट रहता है। देन आपने दोबारा से करवाना है? देन दोबारा से करवाना, अगर ना करवाएं तो? ना करवाएं तो आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगी। ओरिजिनल फॉर्म में आएंगे या थोड़ा सा और ढीला बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये एक मिथ है, जो कंसेप्ट है, जो बताने की जरूरत है कि हम कहते हैं कोई भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर हमने करा लिया, अगर वो नहीं कराएंगे, जब उसके इफेक्ट खत्म होंगे तो स्किन दोबारा ज्यादा डैमेज हो जाएगी, शेप खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। होता क्या है कि जब उसका इफेक्ट लूज होता है या खत्म होता है तो ओरिजिनल फॉर्म में जो पहले थी उसी फॉर्म में वापस आ जाएगी, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि सबकी दोनों साइड्स बराबर नहीं होती फेस की, बहुत सारे लोग फेस करेक्शन के लिए भी फिलर्स कराते हैं, ये सबकी नहीं होती। नहीं, शी इज राइट, डिफरेंस होता है दोनों साइड्स में, सबका होता है। अब जो लोग टीवी पे आते हैं वो ज्यादा इसके लिए कंसर्न होते हैं कि दोनों साइड्स में डिफरेंस है, कुछ लोग मेकअप से उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, बट एक चीज नेचुरल है। क्या वो तमाम लोग जो टीवी पे आते हैं उनको ये फेस करेक्शन करानी चाहिए, क्योंकि जाहिर है उसका शॉर्ट पीरियड है, फिर आपको 6 महीने बाद, साल बाद या 2 साल बाद कराना पड़ेगा। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया आपने। पहला तो ये बताऊं कि हमारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर्स जो भी होते हैं, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं, एस्थेटिक्स भी कह सकते हैं, उनके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आपने लाजमी कराना है। ठीक, उसकी कोई इंडिकेशन नहीं है कि जी कि फॉर एग्जाम्पल आप टीवी पे आते हैं तो आपने कराना जरूरी है, और आप अगर टीवी पे नहीं आ रहा तो आपके लिए कराना जरूरी नहीं है। ये टोटली इनर सेटिस्फेक्शन के लिए होता है कि हाउ यू वांट टू लुक योरसेल्फ। क्या यही रीजन है इसके बहुत एक्सपेंसिव होने की? एक्सपेंसिव होने की रीजन क्योंकि ये लग्जरी नहीं है, ये लग्जरी है, रिक्वायरमेंट नहीं है। दिस इज लग्जरी, दिस इज नॉट द बेसिक नीड। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हमने ट्रीट करना है, अगर नहीं करेंगे तो इंसान तकलीफ में होगा। ये वो है कॉस्मेटिक प्रोसीजर जो भी है, इट्स जस्ट लाइक मेकअप। अगर आपने मेकअप किया हुआ है तो आप अच्छे लगते हो, अगर आप मेकअप ना करें तो यू आर क्वाइट ओके। बट इट डिपेंड्स कि आपने किसी इवेंट पे जाना है, फंक्शन पे जाना है, टीवी पे आना है, कुछ भी करना है, तो प्रेफर करते हैं कि हम मेकअप करें। अच्छा, बहुत सारे लोगों का फेस राउंड होता है, अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे भी दो हड्डियाँ निकली हो, यहाँ पे भी दो हड्डियाँ निकली हो, क्या मोटे लोगों के लिए, गोल बटोर लोगों के लिए भी ऑप्शन होता है? देखिए, सबके लिए हमारे पास सबके लिए ऑप्शन है, और जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो एक तो एरिया वाइज भी डिफरेंट होते हैं और एरा वाइज भी डिफरेंट होते हैं। जिस तरह आजकल जो ब्यूटी स्टैंडर्ड है वो टोटली चेंज हो चुके हुए हैं, जस्ट लाइक आजकल प्लम्प जो है, ये वाली जगह, इसको प्लम्प करने में लोग बड़े इंटरेस्टेड होते हैं। आज से कुछ अर्सा पहले ये इंटरेस्ट था कि जी कि हमारा फेस छोटा हो जाए, ठीक है, तो ये चीजें अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती हैं। तो जो हमारे एस्थेटिक्स प्रोसीजर हैं वो फिर अकॉर्डिंगली चीजों को वो करते हैं कि एडजस्ट करते हैं, कि शेप अप करते हैं आपकी बॉडी को और फेस को। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग, अच्छा लगा बात करके। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर क्लिनिक एंड फॉर योर प्रोसीजर्स, और ये सिलसिला आई बिलीव के बढ़ता ही जाएगा पाकिस्तान में क्या दुनिया भर में, और अच्छी बात है कि अच्छा दिखना चाहिए और हर किसी की ख्वाहिश होती है, और उसको उस पर खर्चा भी करना चाहिए, खर्चा करना चाहिए। न्यूज़ ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने प्रोग्राम को सुबह पाकिस्तान के साथ।
वेलकम बैक नाज़रीन। मार्शल आर्ट्स की हम अक्सर बात करते रहते हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, फिज़िकल एक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और सेल्फ डिफेंस के लिए बेहतरीन चीज़ है। लेकिन हम बचपन में कार्टून्स देखा करते थे निंजा टर्टल्स के नाम से, बड़े ज़बरदस्त कार्टून होते थे, उसमें निंजाज ने सर पे एक वो कपड़ा बांधा होता था और वो हर टाइम एक्शन में होते थे। लेकिन निंजा मार्शल आर्ट्स ने अब प्रॉपर अपनी जगह बना ली है हमारी सोसाइटी में, और ख़ासतौर पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत अच्छा है, सेल्फ डिफेंस के लिए इट्स वेरी गुड। लेकिन हम ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाएंगे जो निंजा मार्शल आर्ट्स तो सीख ही रही हैं, साथ ही साथ उनकी इखलाकी तरबियत भी होती है, उनके लिए बेहतरीन इंतज़ाम किया जाता है, ना सिर्फ सिखाने का बल्कि उनको ये बताने का कि आपको जो सिखाया जा रहा है इसका इस्तेमाल भी कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए होना चाहिए, अच्छे मकासद के लिए इसको इस्तेमाल होना चाहिए। तो इन चीज़ों को इंश्योर करना ये आज के ज़माने में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो सिखाया उसका गलत इस्तेमाल नहीं होना। बिल्कुल जी, हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो अपनी अकेडमी रन कर रहे हैं और ख़ुद निंजा मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं, उनके साथ उनके दो स्टूडेंट्स भी आ जाए हैं और दोनों ब्लू बेल्ट हैं और दोनों येलो बेल्ट हैं और हमारे साथ आइए उनको से आपको मिलवाते हैं। मेरे साथ सबसे पहले इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं मोहम्मद जिशान रशीद साहब और उनके साथ बैठे हुए हैं येलो बेल्ट मुस्तफ़ा भट्ट और उनके साथ हैं जी 13 साल हसन अली। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ठीक है हसन, आप ठीक हैं? बेहतरीन हो गया सर। ये काम अक्सर हम लोग ने प्रोग्राम्स किए हैं, शोज़ किए हैं जिसपे हम लोग ने कराटे पे बात की है, मार्शल आर्ट्स पे बात की है, बॉक्सिंग पे बात की है, लेकिन निंजा इट्स अ वेरी गुड स्टेप, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। निंजा मार्शल आर्ट्स ये कैसे डिफरेंट है नॉर्मल मार्शल आर्ट्स से, ज़रा प्लीज़ बताइएगा। निंजा बेसिकली जैसा कि निंजा टर्टल्स का तस्करा हुआ है, इसकी एक हिस्ट्री है जो कि कदीम जापान से जिसका ताल्लुक़ है, वहाँ पर एक तहरीक उठी थी जिसमें आम लोगों को ट्रेन किया गया था, ना कि बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग होते थे उन जो कि किसी भी जगह ट्रेनिंग लेते थे और माशरे में अपना एक मुकाम बनाते थे। ये ऐसे वॉरियर्स थे जो आम लोग थे, उनको एक इखलाकी तरबियत भी उसमें शामिल होती थी, उनकी एक कमिटमेंट और सोसाइटी के साथ अपने कॉज के साथ उनकी जो एफिलिएशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग की जाती थी। इसके साथ साथ उनका जो स्किल है वो एक मिसाल बना जिसकी वजह से सदियाँ गुजर जाने के बावजूद आज भी एक फैंटेसी दुनिया में एक उनको माना जाता है कि वो एक हिडन है, आज तक लोग उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं निंजास को जी। तो इसके साथ साथ इसमें जो मॉडर्न टाइम में हम देखें तो ये उनसे इंस्पायर्ड हैं और पाकिस्तान में जैसा कि हमारे साथीजा इसको तकरीबन 30 साल से सिखा रहे हैं जी। तो यहाँ पे हमारा जो अल्टीमेट एम है इसमें वो है इनको फिजिकली फिट करना, इनको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने के काबिल बनाना और एक्सट्रीमली पॉजिटिव बनाना। वंडरफुल जी, जबरदस्त। अच्छा मुस्तफ़ा, ये येलो बेल्ट कैसे ली? ये बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद। कितनी ज्यादा मेहनत? सात महीने। इससे पहले भी कोई स्टेज होती है बेल्ट की? नहीं, ये व्हाइट बेल्ट से स्टार्ट होती है, उसके बाद येलो बेल्ट और आगे फिर बेल्ट कंटिन्यू होती है। सो क्या क्या ट्रेनिंग्स है मुस्तफ़ा आप लोगों की? स्वॉर्ड की ट्रेनिंग देते, स्वॉर्ड काताज कराते हैं, स्टिक काताज और ननचक्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिमनास्टिक्स और सेल्फ डिफेंस, जिस तरह स्ट्रीट फाइट होती है उस तरह स्ट्रीट फाइट में आपको किस तरह अपने आप को डिफेंस करना है। पहले 7 महीने में क्या सीखा आपने? किक्स, पंचेस और जो बेसिक बिल्कुल होती हैं, बेसिक सीखे। तो हसन आपको कितना टाइम हो गया इसमें? मुझे 8 महीने होने वाले हैं। 8 महीने होने वाले हैं। सो जब आए थे बिल्कुल भी नहीं पता था निंजा के बारे में और बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट हुआ था, तो कैसा लगा ये सब कुछ सीख के? वैसे तो बड़ा अच्छा लगा। ओके, और स्कूल में अपने क्लास फेलोज पे तो ट्राई नहीं किया? ये येलो बेल्ट जो है ये किस चीज के ऊपर आपको मिलती है? लाइक आप फाइट विन करते हैं या ट्रेनिंग्स होती हैं उसके बिहाफ पे मिलती है? क्या ये जो आपने ट्रेनिंग्स की होती है उनका टेस्ट होता है, वो जो किक्स की होती है उनका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद फाइट का टेस्ट होता है, फिर आपको येलो बेल्ट मिलती है। अच्छा, और जिशान साहब इनकी जो फाइट्स आप कराती हैं पॉइंट्स की फाइट्स होती होगी या रियल फाइट होती है? बेसिकली हमारा जो ट्रेनिंग है उसके कुछ कंपोनेंट्स मैं आपको बता दूं। जैसे ये लोग क्लब में दाखला लेते हैं तो वहाँ से इनको हम सबसे पहले फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट करने पे फोकस करते हैं। ऐसे ड्रिल्स और एक्सरसाइजेस जिसमें दे आर बिल्ड अप इन अ टीम एज वेल। ठीक है, सिर्फ अपनी जीत नहीं, यहाँ हमारा जो मोटो है निंजा का वो है सर्वाइव नॉट विन। तो सर्वाइवल, जब आपकी टीम सर्वाइव नहीं करती तो आप सर्वाइव नहीं करते। तो फिजिकली हम इनको फिट करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करते हैं, इनके जिस्म को मजबूत करते हैं, इनमें स्टेमिना बिल्ड करते हैं और इनमें फ्लेक्सिबिलिटी लाते हैं, इनको जिमनास्टिक्स करवाते हैं। ठीक है, जिसमें फिर पंचेस, किक्स, फाइट ट्रेनिंग,
कुछ चीज़ें हैं जो इनकी रिंग की ट्रेनिंग की हैं, जिसमें कि पॉइंट सिस्टम जैसा कि आपने जिक्र किया कि कितना पॉइंट लें ताकि यू नो एज अ सेफ्टी ट्रेनिंग, बट कुछ चीज़ें हैं जो रियल में अपने डिफेंस के लिए जहाँ पे कोई रूल नहीं होता, तो हम इनको बिल्कुल भी अंधेरे में नहीं रखते, हम इनको रियल लाइफ ट्रेनिंग्स देते हैं कि ये ट्रेनिंग है बट यू हैव टू बी। और ब्रेक में भी हम जिक्र कर रहे थे कि जो बच्चे आपके पास आते हैं, एक तो मिनिमम 6 ईयर्स ओल्ड उनको होना चाहिए और दूसरा उनकी हड्डियाँ मजबूत हों, वो फाइट कर सके, जो इंस्ट्रक्शंस दी जाए उनको फॉलो कर सके, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है, उनकी फिजिकल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट हमारी अपनी ट्रेनिंग ब्लैक बेल्ट लेने तक जो हुई है उसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी भी की है, और ये स्टडी हम इनको भी बहुत ज़्यादा इस पर इनका जोर देते हैं कि यू हैव टू स्टडी हार्ड, आपकी जो स्कूल बुक्स हैं उनको भी और उसके अलावा भी। अब जैसा कि आपने हड्डियों का जिक्र किया तो यहाँ मैं एक तस्करा करता चलूँ कि एज अ इंस्ट्रक्टर, एज अ टीचर, मैंने ये महसूस किया है कि पिछले कुछ सालों में बच्चों की बोन स्ट्रेंथ बहुत वीक हो रही है, तो आई हैव टू सी कि उनको मैंने कैसे ग्रो अप करना है, कैसे बिल्ड अप करना है, तो वो एक्सरसाइजेज और वो ड्रिल्स होती हैं कि हम उनको महफूज रखते हुए, हमारे पास एक मैटिंग होती है हम वो यूज़ करते हैं ताकि उनमें इंजरीज कम हो। ओके मुस्तफ़ा, आपने क्यों ये क्या सोच के किया निंजा की तरफ आने का फैसला? कुछ नहीं, बस कोई एक्टिविटी करनी थी, मेरा भाई जाता था तो मैं बस उसके पीछे पीछे चला गया। ओके और जब एक दो हफ्ते गुजर गए तब मैंने इसको थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया कि ये कोई काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ है। अच्छा लगता है जी, अच्छा लगता है इसको कंटिन्यू करना? बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अब इसको ब्लैक बेल्ट से भी आगे लेके जाना। ठीक है, जिस तरीके से उन्होंने मेंशन किया था कि 3 days 2 hours क्लास, राइट सर? एग्जैक्टली। सो इसके अलावा घर पे भी प्रैक्टिस करते हैं? जी, घर पे भी हमें करनी होती है, नंचक्स की प्रैक्टिस करनी होती है, जो हमें किक्स मिलती हैं, जो लेसन मिलता है हमें, वो घर में भी प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक, हसन आप स्कूल भी जाते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7th। और 7th क्लास में पढ़ने के साथ साथ ये आपको खुद शौक था या अम्मी अबू ने कहा कि चलो बेटा सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ सीखो? खुद शौक था जी। तो अभी तक जो आपने सीखा उसको अप्लाई किया कहीं पे? नहीं, फिलहाल नहीं। अच्छा, अभी सीख रहे हैं आप। हाँ जिशान भाई, एक और चीज़ बहुत जो इन्होंने अप्लाई करने का जिक्र किया कराटे में और मार्शल आर्ट में और इवन बॉक्सिंग में भी, ये चीज़ कही जाती है कि आप लोगों ने अगर किसी के साथ स्ट्रीट फाइट हो भी जाती है फिर भी आप लोगों ने बचना है, किनारा करना है, क्योंकि यू हैव टेक्निक्स, आपसे अगला बंदा डैमेज हो सकता है जी। तो आप लोग भी ये चीज़ सिखाते हैं कि अगर कहीं पर फाइट हो जाती है और आपकी गलती नहीं भी होती लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिजर्व रह लो, थोड़ा सा पीछे हट जाओ ताकि अगले को ज़्यादा डैमेज ना होना पड़े। इनफैक्ट जब ये ट्रेनिंग्स कर रहे होते हैं तो उस ट्रेनिंग में इनको बहुत सख्त एक्सरसाइजेज के साथ साथ फाइट, रियल फाइट से भी गुजारा जाता है। okay. इनकी कंडीशनिंग होती है, इनकी उस कंडीशनिंग का पर्पस इनको फिजिकली मजबूत करने के साथ साथ इनको इस चीज़ का एहसास दिलाना भी होता है कि आप अगर किसी को मारेंगे तो उसको कैसा महसूस होगा। हाँ. तो जो फोर्स का इस्तेमाल है वो इनमें चाहे ना चाहे इनके दिमागों में, इनके सबकॉन्शियस में डाला जाता है, एहसास महसूस करना। सही. आम आदमी से ज़्यादा ये महसूस करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद लड़ाई एक्सट्रीम पे रह जाती है। मोस्टली मार्शल आर्ट्स जब आप सीख रहे होते हैं और अगर सही तरह से सीखें तो आपकी लड़ाइयां लाइफ में बहुत कम हो जाती है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। अच्छा मुस्तफा, अभी तक जो आपने सीखा, जो देखा निंजा मार्शल आर्ट्स में, आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सबसे अच्छा मेरा किक्स पे फोकस होता है और फाइट के अंदर। ठीक, ये चीजें आपको अच्छी लगती हैं, फाइट और किक्स? और फिजिकली भी फिट फील करते हो? कोई खाने पीने में भी कुछ स्पेशल रखते हो? नहीं, जो नॉर्मल घर में पकता है बस वही होता है, सालन रोटी, वही जो आप रूटीन का होता है वो उसका डबल हो जाता है। उसका डबल हो जाता है। ठीक है, और हसन आपको क्या चीज सबसे फेवरेट है आपकी इसमें? मेरी किक्स, फाइट और जिमनास्टिक। जिमनास्टिक्स, उसमें क्या है इतना फैसिनेटिंग है जिमनास्टिक्स? जिमनास्टिक्स के अंदर आपकी फ्लिप्स आ जाती हैं और भी बहुत आ जाते हैं, जैसे वो स्प्रिंग्स आ गए, फ्लिप्स आ गए, रोल्स आ गए। ठीक है, हसन कभी सोचा है कि ये मार्शल आर्ट सीखने के बाद, निंजा मार्शल आर्ट्स के बाद क्या करोगे फ्यूचर में? मैं फाइटर पायलट बनूंगा। फाइटर पायलट बनना है, क्या वंडरफुल जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। जिशान भाई ये बताएं कि फीमेल के लिए भी आपकी एकेडमी है? जी बिल्कुल, हमारे पास 6 ईयर से ऊपर मेल फीमेल सब लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमें, बल्कि मैं यहाँ पे अपना सोशल मीडिया पेज भी बताना चाहूँगा ताकि ज़्यादा लोग उसको ज्वाइन कर सकें, विच इज़ निंजाज ऑफ PWD, NINJASPWT। तो इस पेज पे जाके हमसे रابطہ कर सकते हैं। और खवातीन के लिए कुछ स्पेशल अलग से उनके लिए इंतज़ाम होता है या कलेक्टिव ट्रेनिंग होती है सब? इनफैक्ट हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, हमारा जो क्लब का इन्वायरमेंट है वो बड़ा ही एक्सट्रीमली डिसिप्लिनड होता है। जैसे मैंने टीम का तज़किरा किया, हम इनको एज ए सोसाइटी बिल्ड करते हैं, हम इनको सेपरेट
लिमिट्स जो हैं वो सिखाते हैं, ना कि इनको अलग करते हैं. ठीक है, वंडरफुल. सो अभी कितनी तादाद है तकरीबन आपके पास? इनफैक्ट अगर हमारी एकेडमी का तस्करा किया जाए, जिसके अंडर बहुत सारे क्लब्स हैं, जो जिस तरह मैंने ब्लैक बेल्ट यहाँ से सीखी और यहाँ तक सीखा और फिर मैं आगे सिखाना शुरू किया, मैंने महसूस किया कि मुझे सिखाना चाहिए, इट्स अ गुड कॉज, तो दर्जनों क्लब्स हैं जिनमें हजारों सैकड़ों हजारों बच्चे. इस्लामाबाद में कितने हैं? तकरीबन इस्लामाबाद रावलपिंडी का जिक्र किया जाए तो 12 से ज्यादा क्लब्स हैं. और दूसरे शहरों में भी हैं? जी कुछ दूसरे शहरों में भी हैं जिनमें गुजरात, सियालकोट. एम क्या है, मिशन क्या है आपका? इनफैक्ट हमारे जो ग्रैंड मास्टर हैं इज अ रिनोन्ड पोएट एज वेल, फरहत अब्बास शाह, आपने नाम सुना, फरहत अब्बास शाह साहब, ही इज आवर ग्रैंड मास्टर, ही इज द फर्स्ट निंजा ऑफ पाकिस्तान. तो उनसे यही सवाल मैंने किया था कि इसका एम क्या है ऑन रिकॉर्ड. सो ही सेड के हमारे माशरे में तरबियत का निज़ाम दम तोड़ गया है, तो हमें वो तरबियत मुहैया करनी है जो पहले उस देते थे, जो स्कूल देता था, जो सोसाइटी और घर देते थे. तो हमें वो बेसिकली ये लड़ाई का फन नहीं है, ये लड़ाई ख़त्म करने का. अच्छा, फन है. इसके इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं? जी हाँ, हमारे जैसा कि हसन ने तस्करा किया था, मुस्तफ़ा ने बताया ये किक्स इनको फेवरेट हैं, उनकी जिमनास्टिक फेवरेट है. इसी तरह हमारे क्लब में बेसिकली इस निंजा के करते हुए इनको हम बॉक्सिंग करवाते हैं, इनको हम जुजुत्सु करवाते हैं, जूडो करवाते हैं, कराटे करवाते हैं, जिमनास्टिक्स करवाते हैं, इसके अलावा वेपन्स और सर्वाइवल और एडवेंचर, रॉक क्लाइंबिंग करवाते हैं. सो दे हैव द अपॉर्चुनिटी कि ये दुनिया में किसी भी तरह का जो कंपटीशन हो रहा है उसमें पार्ट ले सकते हैं. ना सिर्फ जा सकते हैं बल्कि माजी में मेरे सीनियर जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया में 2 times, ईरान में विन करके आ चुके हैं डिफरेंट स्टाइल्स इन डिफरेंट गेम्स. अच्छा मुस्तफा, आप दूसरे क्लब्स के लोगों से मिलते हैं, कभी टेक्निक्स के बारे में आप लोगों ने शेयर किया दूसरे क्लब के लोगों के साथ? बिल्कुल किया. 3 days होते हैं ना, बाहर के लोग मिलते हैं. गए थे दिसंबर के अंदर कैंपिंग के अंदर, वहाँ पे बाकी पूरे इस्लामाबाद रावलपिंडी के क्लब्स के मेंबर्स आए हुए थे, उन सब के साथ हम डिफरेंट टेक्निक शेयर करते हैं. उनकी टेक्निक्स डिफरेंट होती हैं, आपकी डिफरेंट या सेम होती हैं? नहीं, सेम होती हैं, जो उधर सिखाया जाता है वही हमारे हमें भी सिखाया जाता है. ठीक है. और ये जो फाइट्स आप लोग करवाते हैं ये इंटर क्लब्स होती हैं? बेसिकली ट्रेनिंग फाइट्स इनकी अपने क्लब में रूटीनली हो रही होती है, जहाँ से ये लर्न करते हैं कि अपने आप को डिफेंस कैसे करना है और ऑफेंसिव कैसे होना, पॉइंट्स कैसे विन करने. फिर चैंपियनशिप्स होती हैं जो इंटर क्लब होती हैं, इंटर सिटी भी होती हैं, ऑल पाकिस्तान भी होती है. जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो क्वेटा में जो नेशनल गेम्स हो रही हैं वहाँ पे हमारी टीम जूडो के लिए गई है. बहुत खूबसूरत. और हसन, आपने इसके अलावा कुछ सीखने का सोचा है, लाइक जूडो वगैरह? वो जूडो हमें करवा रहे हैं, बॉक्सिंग भी करवा रहे हैं, सब कुछ इसी में करवा रहे हैं. सब कुछ तो नहीं बट काफी मार्शल आर्ट जो है वो हमारे. तो ये नहीं प्लान किया कि अच्छा ये वाला मैं कंप्लीट करके ब्लैक बेल्ट ले लूंगा फिर मैं कुछ और भी सीखूंगा, ऐसा नहीं. यही सीखना है. अच्छा, एक ना बड़ा होता है, बड़ा दिल चाहिए होता है फाइट करने के लिए या इस तरह की कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए. सो वो दिल मजबूत जो है वो कैसे हुआ और कब हुआ? लाइक शुरू में ही इतनी पावर थी, इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं बेयर कर लूँगा, या आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो अंदर आती है? तो आराम आराम से होता है, हमें ट्रेनिंग और हमारा वार्म अप हार्ड होता है तो उससे आती हैं काफ़ी चीज़ें. और हमें हमें अलग से भी लेक्चर्स होते हैं हमारे, जिसके अंदर हमें सर लेक्चर देते हैं. कभी ऐसा नहीं हुआ कि फाइट से पहले दिल घबरा जाए, बीपी लो हो जाए, मुझे थोड़ा जूस वगैरह पिलाया उसके बाद? जूस तो नहीं लेकिन होता है काफी कि अगला बंदा ज्यादा डैमेज ना हो जाए, उसको ज्यादा लग ना जाए. अच्छा, उसकी फिक्र होती है, अपनी नहीं होती मुझे. इनफैक्ट जो एज अ फाइटर ओनली अ फूल जो जो कि दीवाना है, पागल है, शायद उसको डर ना हो. इवन शेरनी भी अपने बच्चों को सबसे पहले डरना सिखाती है जंगल में, टू सर्वाइव. सो इट्स अ नेचर, आप नेचर के अगेंस्ट नहीं जा सकते. जब भी कुछ ऐसी सिचुएशन आएगी अल्टीमेटली आप जितने भी बहादुर हैं, जैसे हसन ने कहा ही वांट टू बिकम अ पायलट, तो जिगरा चाहिए उसके लिए. सो हम इनको जो रियलिटी है उससे अवेयर करते हैं, उसे अंधेरे में नहीं रखते, तो उन चीज़ों को फेस करना सिखाते हैं. यस, डर है ठीक है, बट यू हैव टू सर्वाइव. यस, सर्वाइव. वंडरफुल, परफेक्ट. थैंक यू सो मच जिशान साहब, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा, थैंक यू सो मच हसन फॉर कमिंग. विश यू बेस्ट ऑफ लक. बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, इसी तरीके से सोसाइटी का एक बेहतरीन पार्ट बन के सोसाइटी को मजीद बेहतर बनाते जाएं. बहुत शुक्रिया आने के लिए. एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को. हमारे साथ रहें. Thank you.
यकीनन आपके इल्म में होगा कि आए दिन शहादतें होती हैं, पाक फौज के जवान अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, उनके कॉन्वॉयज के ऊपर, उनके डिफरेंट इंस्टॉलेशन हैं, उनके ऊपर हमला होता है। लेकिन बदकिस्मती से अभी हमला सिर्फ सरहदों के ऊपर नहीं, बलूचिस्तान या फिर केपीके में नहीं, बल्कि मुल्क के हर शहर में, हर जगह पे होने लगता है। डिसइन्फो लैब को हम भूल गए कि जब ये डिस्कवर हुआ कि किस तरह से हमारे दुश्मन मुल्क ने इन्वेस्टमेंट की कि पाक फौज को बदनाम किया जाए पूरी दुनिया में, उनके खिलाफ अवाम और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाए, नफरत जो है वो पैदा की जा सके, और हमने बदकिस्मती से अपनी सियासी वाबस्तगियों में दुश्मन के एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने वतन और अपनी फौज के खिलाफ जज्बात का इजहार करना, उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, फौज का मोराल डाउन करना है, और यही वो चीज़ है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन चाह रहे हैं। खुदा के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पर काम ना करें। जिन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी, आप उनसे पूछें कि उन पर क्या बीती। हमें अपने मुल्क की हिफाजत करनी चाहिए, अपनी सरकारी अमलाक की हिफाजत करनी चाहिए, क्योंकि ये मुल्क, ये हमारा प्यारा पाकिस्तान हमारा घर भी है। हमें चाहिए कि हम अपने घर की हिफाजत करें, अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें। अक्सर माँ बाप की शिकायत है कि उनके बच्चे नए जमाने की टेक्नोलॉजी में खोए रहते हैं। मैं इन्हें एक बात कहता हूँ, ये जहाँ खोए हैं पाएंगे भी वहीं से। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में चल रही होती हैं, लेकिन होने क्या वाला है, हो क्या रहा है, ये जानने के लिए हम बहुत से उलूम का सहारा लेते हैं। कोई फलकियात का इल्म जानता है, कोई अपना हाथ दिखाता है, लेकिन टैरो कार्ड रीडिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो देखने में तो आपको बिल्कुल ताश के पत्तों जैसा लगता है, लेकिन इसकी एक पूरी तारीख है, इसकी एक प्रॉपर स्टडी है, फिर बहुत सारी इंडिकेशंस को देख के ये कैलकुलेट किया जाता है कि आपकी ज़िंदगी में इस वक्त कैसा टाइम चल रहा है और कैसा टाइम प्रोबेबली होने वाला है। यस, बिल्कुल है। और जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, इनसे मैं भी एक दफ़ा करवा चुका हूँ, जो बिल्कुल एक्यूरेट और एग्जैक्ट बैठा था, और जिस तरीके से प्लानिंग इन्होंने की थी उसी तरीके से वो ऑनवर्ड अगले 2-3 हफ्ते चलती रही प्लानिंग। सो हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो खुद भी मीडिया पर्सनैलिटी हैं, होस्ट हैं, और आप इनको टीवी चैनल पर भी देख रहे हैं और रेडियो पर भी सुन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टैरो कार्ड रीडर हैं, और इनसे जानेंगे इसके बारे में भी और कुछ प्रेडिक्शन अगर हमने करवानी है उसके हवाले से भी, अगर यह कर देंगी हमारे हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सना हुमायूं साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कमिंग। कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड टू सी यू। अरे लाइकवाइज लाइकवाइज। सो ये शौक, ये तकरीबन आप कितने अरसे से आपका ये सिलसिला है? अच्छा, ये शौक तो अब मैं कहती हूँ लोगों को, लेकिन ये असल में मेरा शौक नहीं, मेरा गिफ्ट है।
which I explored like 9 years back. 9 years back. और 9 साल पहले जिस तरह न्यूटन के सर पे सेब गिरा था, आपके सर पे काट, मेरे सर पे नहीं, मेरी आंखें खुल गई थी और मेरे हाथ जो थे वो खुद ब खुद पियानो पे पढ़ के बचने लग गए थे. So इसकी प्रैक्टिस इनहांस होती रहती है विद द टाइम? डेफिनेटली. ये कार्ड्स मैंने जब परचेज किए, मुझे समहाउ मेरा कभी भी इस तरह का वास्ता नहीं था जिस तरह. लेकिन इन कार्ड्स को क्या पढ़ा जाता है, सीखा जाता है, ये कैसे आपको? अच्छा, ये दोनों है. ये लर्नड भी हो सकता है और ये बॉर्न विद गिफ्ट भी आपका है कि यू आर बॉर्न विद द गिफ्ट. वो गिफ्ट आपके अंदर होता है, आप उसको लर्निंग करके उसको ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं, अच्छा बना लेते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं. ठीक है, वंडरफुल. सो आप इसको जो अभी कर रही हैं, लाइक इस वक्त आप प्रैक्टिस कर रही हैं, सो इस प्रैक्टिस के साथ साथ ये जो आपकी स्किल इन्हेंसमेंट है, ये थ्रू गिफ्ट हो रही है या थ्रू लर्निंग हो रही है? अच्छा, स्टार्टिंग में मैं प्रोफेशनली नहीं करती थी. 2-3 साल तो मैंने इसको सिर्फ अपनी हद तक महदूद रखा, क्योंकि एक तो जब नया नया कोई बच्चा कोई गिटार लेके घर आता है तो पहले घर वालों तो अजीब सा रिएक्ट. तो मैंने बहुत अरसे तक ये स्किल अपनी घर वालों को भी नहीं बताई थी. Okay. कि ये आई हैव स्टार्टेड डूइंग दिस. सो 2-3 साल तो मैं सिर्फ अपने ऊपर प्रैक्टिस करती थी. लेकिन इट्स वंडरफुल एंड इट्स वंडरफुल. मुझे ये बताएं कि ये एक्चुअल में कार्ड्स का कनेक्शन है क्या ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन साइकी के साथ, या ह्यूमन वो कहते हैं ना कि ऑरा और इसके साथ, किस्मत के साथ, ये क्यों, क्या है? अच्छा, टैरो इज अ टोटल साइंस. टैरो कोई तुक्का नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है. इट्स अ टोटल साइंस एंड आर्ट ऑफ डिविनेशन. और ये उस टाइम में थोड़ी सी आपको इसकी हिस्ट्री और वो बताती हूँ. टैरो उस टाइम की लैंग्वेज है जिसमें, जिस ज़माने में लोग अल्लाह ताला से, खुदा साइंस की लैंग्वेज में लोग बात करते थे और एक दूसरे से भी. साइंस जो वो इशारे होते हैं, सिंबल्स होते हैं, कि वो सितारों की चाल जब समझते थे. हाँ. जब घड़ियां नहीं होती थी तो सितारों के इशारों से. तो इस टैरो में उस वक्त की ग्रीक माइथोलॉजी और वो जो केव्स और गार के टाइम के लोग हैं, जब लोग आपस में साइन लैंग्वेज में बात करते थे. सही. तो टैरो उस वक्त की साइंस है. Okay. उस वक्त के साइंस हैं जो कि आपको ये हेल्प करते हैं कि आपके और अल्लाह के दरमियानी जो फासले हैं, कम्युनिकेशन हमें नहीं पता होता. वी ऑल नो इस प्रेयर, मेडिटेशन, और वो भी हम ज्यादा, वी कांट लिसन. तो टैरो इज एक्चुअली एन एडवाइस टू टेक फ्रॉम एंजल्स, या उन एंजल्स के जरिए हम कोशिश करते हैं कि जो अल्लाह की रजा, जिसको हम कहते हैं कि हमें अल्लाह की रजा जानने की. लेकिन हाउ इज दैट पॉसिबल, ये इतना क्विकली कैसे होता है? इट्स अबाउट द मैन बिहाइंड द बुलेट. अच्छा अच्छा, ये आई गेस 72 कार्ड्स होते हैं, और इनकी क्या, इनको पर्सनालिटीज़ के साथ कैसे जोड़ा जाता है? या आपने, लेट्स सपोज अगर एक इंसान के बारे में आपने कुछ बताना है, उसका वो नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछनी होती है, या क्या आपको रिक्वायर्ड होता है डाटा? अच्छा, माय कार्ड्स आर एनर्जी कंटेजियस, दे एब्जॉर्ब. तो अगर आपकी रीडिंग करनी होगी तो मैं, वैसे तो जनरली होता है कि मैं डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, लेकिन अब ये कि अगर आप कार्ड्स पे अपने हाथ रख दें, उसको थोड़ी देर शफल करें या उसको हाथ में पकड़ें, तो मेरे कार्ड्स आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे. Okay. और फिर मेरे कार्ड्स जो है वो आपके बारे में मुझे बताना शुरू कर. और स्पिरिचुअलिटी के साथ कितना कनेक्शन हो? अच्छा, इन कार्ड्स में सिर्फ एक इल्म नहीं है, इन कार्ड्स में कोई 10-20 किस्म के इल्म है. Okay. इसमें स्पिरिचुअलिटी है, न्यूमरोलॉजी है, एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है, इसमें साइंस हैं, सिम्बल्स हैं, स्टोरीज हैं, सिंक्रोनिसिटीज हैं. सो इट हैज़ गॉट अ लॉट. कलर, पूरा कलर, कलरोलॉजी है, मतलब ईच एंड एवरी डॉट has its meaning. अच्छा, एक टैरो कार्ड रीडर को सारे कच्चे कच्चे पता लग जाते हैं जिस बंदे को. हाँ, कुछ पता करना. ट्रू. सो ये सब कुछ एनर्जी से होता है? यस, एन इनविजिबल फोर्स है. ओके. और अगर ये कार्ड्स जो हैं, क्योंकि इंसान प्रैक्टिस करके इतना हो जाता है कि इन कार्ड्स के बगैर भी आप एनर्जी कैच कर लेती हैं, वो तो नॉर्मल बीइंग भी नॉर्मल भी आप कर लेते हैं. लेकिन जिन लोगों के मैं रेगुलर टैरो रीड करती रहती हूँ, उन लोगों के लिए मुझे अक्सर, जिस तरह मेरे घर वाले हैं या मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं या मेरे क्लोज लोग जो होते हैं जिनकी डेली लाइफ या जिनके मैं बहुत ज़्यादा टैरो करती हूँ, तो उनको मैं बगैर टैरो के भी टैरो वाली एडवाइस और कार्ड्स के थ्रू कितना फोर्सी किया जा सकता है? 1 week, 2 weeks, 1 महीना? Billions of years ahead and billions of years behind. Wow. क्या बात है. कुछ आप चाहती हैं?
मैं देखिए ऑन एयर तो पूछ के उन्होंने पहले ही बता दिया, सारे गट्टे चट्टे खुल जाते हैं सारी बातें, तो ऑन एयर बताने वाली नहीं। मेरे ख्याल है कि हम ऑफ कैमरा पूछे अल्फाज में जो है ना वो बताते हैं, लेकिन बहुत एक्यूरेट था इस दफा। अच्छा सबसे पहले नजम के बारे में, नजम के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नजम वहाँ बैठे हुए हैं आज, मुझे मैं इसीलिए आज यहाँ पर आई हूँ। नजम ने प्रेडिक्शन की, ये मैंने प्रेडिक्शन की थी नजम को लास्ट जब हमारी मीटिंग हुई है, तो नजम ने अब मुझसे अपने किसी काम के बारे में पूछा था, और मैंने नजम को कहा था कि आप फिक्र नहीं करें, आपका वो काम थोड़ा सा डिले आएगा बीच में पेपर वर्क का, लेकिन वो हो जाएगा, इसीलिए मैं आज यहाँ पर बैठी हूँ कि ही इज हियर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं कि आप खुद देखकर परेशान हो जाती हैं, या जिस तरीके से एक स्पिरिचुअलिटी में कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी की मदद करते हैं, किसी को मुश्किल से निकालने के लिए, सो उसकी मुश्किल अपने सर आ जाती है। अच्छा टैरो में लैशबैक तो होती है, एनर्जी लैशबैक होती है, कि अगर किसी की नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं या डीमंस हैं या कोई बैड इन्फ्लुएंस है तो वो आपको हिट बैक करता है, लेकिन एक एक्सपर्ट, एक टैरोसोफिस्ट को अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी होती है कि वो अपना डिफेंस कर सकता है एक आम इंसान के मुकाबले में बैड एनर्जीज और उससे, क्योंकि हम सिर्फ एनर्जी डायरेक्ट नहीं करते, हम एनर्जी इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम वी कैन ऑलवेज चेंज एन एनर्जी। आपने सुना होगा कि एनर्जी कैन बी चेंज, मूड कैन बी चेंज बाय जस्ट अ सिंगल थॉट। बिल्कुल, तो वी आर द थॉट प्रोवोकर्स। कभी ऐसे होते कि आपने कोई प्रेडिक्शन की हो और बंदा आपसे लड़ने आ गया हो बाद में कि जो आपने कहा था वो तो हुआ ही नहीं, कभी ऐसे भी होते? नो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी प्रेडिक्शन सही होती हैं, मैं ये कह रही हूँ कि जो होता है मैं वो देखती हूँ। टैरो कार्ड्स इज नॉट अबाउट कि मैं आपको बोल दूंगी आपकी किस्मत, अगर आपकी किस्मत ने बदलना हुआ तो वो मेरे टैरो कार्ड्स के थ्रू मुझे नजर आ जाएगा और वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आपकी किस्मत नहीं बदल रही होगी तो मेरे कार्ड से आपको बता देंगे कि देयर इज नथिंग टू बी गोइंग टू। ठीक है, और इनका कनेक्शन आपके सितारों के साथ भी होता है? ओह यस, एस्ट्रोलॉजी इज वन ऑफ द मेन एलिमेंट, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो है वो ऊपर की बात है। जब हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, हिस्ट्री की बात करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी की बात करते हैं, सोशियोलॉजी, साइंस की, ये जमीन की, जमीन का इल्म है, एस्ट्रोलॉजी आसमानी इल्म है। इसलिए जो अक्सर लोग कहते हैं कि ये मिथ है, कि ये हराम है या बिदत है या उसमें नहीं है, जायज़ नहीं है, तो मैं आज आप लोगों के प्लेटफॉर्म से एक बात बहुत क्लियर कर दूं कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ों के इल्म के बारे में कहा है कि हर इंसान के लिए वो इल्म नहीं है, और हर इंसान उन आदाद शुमार के इल्म में ना पड़े, लेकिन चंद लोग ऐसे हैं कि जिनको हमने ये इल्म दिया है। जिस तरह आप हिस्ट्री में अगर कुरान में देखें तो हारूत और मारूत को जादू का इल्म था। हाँ। अब आप जादू से डिनाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ, ममनू है जादू सीखना, कि ना सीखें और ना करें, क्योंकि हर आम जो फेथ होता है आपका, हर इंसान का इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, और अल्लाह ताला ने यहाँ पर हर इंसान को डेफिनेटली उसके जिंदगी के मुताबिक जिस तरह मुश्किलें दी है ना, तो उसी के मुताबिक उसका फेथ दिया है। कुछ चीजें मांगने से मिलती हैं, मेहनत से मिलती हैं। आप ये कहो कि यार इसका ईमान बहुत मजबूत है, तो उसमें सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह की देन तो होती होती है, उसमें इंसान की चाह भी होती है, जुस्तजू भी होती है, लगन भी होती है, मेहनत भी होती है। इसलिए बड़े दाना ने किसी ने कहा है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं ना तो ये आपका कसूर नहीं है, अगर आप गरीब मर रहे हैं तो ये आपका कसूर जरूर है कि आपने जिंदगी में अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं की। दिस लाइफ इज मेंट टू फॉर एन एफर्ट। अगर आप एफर्ट नहीं कर रहे और आप ये कह रहे हैं कि माहिर फलकियात आपकी किस्मत बदल देगा तो ये पॉसिबल है। अच्छा सना, अच्छा टैरो कार्ड रीडर अगर कोई तलाश करता है एज पर्सन, उसमें क्या क्वालिटीज देखे कि लेट सपोज कि मैं चाहती हूँ कि मुझे अपने बारे में कुछ जानना है, मैं टैरो कार्ड रीडर के पास जाना चाहती हूँ, अब वो बंदा क्या मेरे बारे में ठीक बता सकता है या नहीं, ये मैं कैसे जज करूँगी? अच्छा, वेरी सिंपल एंड क्विक लिटमस टेस्ट है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आप 10,000 खासतौर पर प्रेगनेंट औरत बहुत सेंसिटाइज्ड हुई होती है, कमरे में घुसते ही बता देती ये डॉक्टर मेरे को पसंद नहीं है, मैंने इससे इलाज नहीं कराना। व्हाट इज दैट? गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट। एक टैरो कार्ड, बहुत टैरो कार्ड्स हैं, और अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है इस इल्म का और ज्यादा लोगों में शऊर बेदार पैदा हो रहा है।
आप किसी भी चीज को जब देखते हैं तो आपको एक एनर्जी कैच आता है, कि आपको एक वाइब आती है कि यू वाइब विद समवन, सो गो विद योर वाइब. इसमें मैं कहूंगी क्योंकि कोई लिटमस पेपर टेस्ट नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहां से आपको कहेंगे ये बहुत अच्छा है तो ये बहुत बुरा है. देयर आर मिलियंस एंड प्लेंटी ऑफ टैरो रीडर्स इन द यूनिवर्स, इन द वर्ल्ड. तो आपने अपनी वाइब देखनी है. अच्छा, आपकी किससे कार्ड्स हैं, ये कितने अरसा पुराना ये इल्म है जो चलता हुआ आ रहा है नजम, स्पेशली टैरो कार्ड का है. अब ऐसे तो कहते हैं कि इसका ओरिजिन जिस तरह योगा की तरह इसका ओरिजिन बहुत पुराना है, बुद्धिज्म और इससे भी आगे का, क्योंकि इट्स अ वे दैट हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो पहले ये सब चीजें होती थी केव्स में दीवारों पर, अब ये चीजें जिस तरह, लेकिन असल में ये जो आर्ट बना है या जो साइंस बनी है जो कार्ड्स के थ्रू में आया है, ये 15th century में आया है, कि जब वो रोमन या ग्रीक माइथोलॉजी का बहुत ज्यादा टाइम था, तो तब उन्होंने इसको एज अ आर्ट ऑफ डिविनेशन इंट्रोड्यूस करवाया. लेकिन डेफिनेटली वो बीच में जाकर हर चीज जिस तरीके से गफलत का शिकार हो जाती है, ये गेम्स और उसमें चला गया. वेस्टर्न सोसाइटी भी इसको फॉलो करती है? ओ यस, वेस्टर्न सोसाइटी इसको कहा ही, ये आया ही वेस्टर्न सोसाइटी से है. क्योंकि रोमन्स और ग्रीक्स हमारे तो मुगलिया दौर में आते हैं. ये कि आप इससे प्रिडिक्ट तो कर सकती हैं कुछ, लेकिन क्या आप इसी की एनर्जीज के थ्रू किसी के को कोई मशवरा भी दे सकती हैं? ये काम ही मशवरा देने का, असल में ये मशवरा ही दे सकता है. प्रिडिक्शन तो हम उसको कह देते ना कि मैं आने वाले वक्त का मशवरा दूंगी तो वो प्रिडिक्शन बन जाएगी. बताऊंगी ये कि जिस तरीके से यू सेड के आपके अगले 3 हफ्ते हैं उसमें ये पेपर वर्क में मुश्किलें आएंगी, लेकिन इवेंचुअली आपका काम हो जाएगा. लेकिन आप बताएं कि हाँ ये मुश्किल आ रही है, लेकिन इसमें ये एक वे निकल रहा है, अगर आप इसको इस के थ्रू जो है वो अप्रोच करेंगे तो ये काम हो जाएगा. डेफिनेटली टैरो कार्ड्स असल में आपकी जो इनर जर्नी है और आउटर जर्नी में, इनर जर्नी में आपको इस तरह से हेल्प करता है, मैं दोनों का आइडेंटिफाई कर दूं. आउटर जर्नी में तो फिजिकल एफर्ट हो गया ना, आपका पैसा हो गया, काम हो गया, लोग हो गए. अब टैरो कार्ड खुद चल के तो आपका काम नहीं करेंगे. टैरो कार्ड्स आपने करने हैं, दो ऑप्शन है आपने ये काम करना है. आप टैरो कार्ड से पूछेंगे कि मेरे पास ये ऑप्शन है और ये ऑप्शन है, ये रास्ता है, ये रास्ता है, विच वे टू गो. अब टैरो कार्ड आपको इस रास्ते का भी सारा बता देगा और इस रास्ते का भी बताएगा. वो 3 मिनट्स बिफोर सिनेरियो आपको क्रिएट करके दे देगा. आपको पता चल जाएगा तो यू विल हैव अ फ्यूचर पिक्चर कि हाँ यार अगर मैंने ये चॉइस ली तो मेरे पास ये रिजल्ट्स आएंगे, अगर मैंने ये चॉइस ली तो. अपने लिए भी टैरो कार्ड से हेल्प लेती है? लास्ट क्वेश्चन. ओह डेफिनेटली, पहले अपने लिए ही हेल्प ली थी, बिकॉज देर वॉज नो वन इन द वर्ल्ड वॉट वॉज हैपनिंग इन साइड ऑफ मी. जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब आपकी स्पिरिट का एक सेल्फ जर्नी स्टार्ट होता है, तो उसका कोई डॉक्टर नहीं है, उसका कोई तबीब नहीं है, कोई वैद नहीं है कि आपकी नफ्स देख कर कोई बता देगा. तो जो आपके अंदर होता है वो आप ही को पता होता है. तो जब आपके अंदर कुछ चल रहा हो एंड देयर इज नो वन इन द वर्ल्ड टू शेयर विद, सो दीज आर द टैरो कार्ड्स दैट हेल्प्ड मी. और ये मैं टैरो कार्ड्स के लोगों कहती हूँ कि पर्सनल लेवल पे भी आप सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक्सपर्ट से सीखे. अपनी पर्सनल लाइफ में भी आपने अगर एडवाइस लेनी हो एंड ट्रस्ट इश्यूज हैं लोगों को कि मैं आपसे एडवाइस नहीं ले सकती, मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती अपनी तमाम तर पर्सनल बातें, तो आई थिंक टैरो कार्ड्स कुड बी द गुड बेस्ट एडवाइजर, बेस्ट गिफ्ट एंड बेस्ट फ्रेंड. थैंक यू सो मच सना फॉर कमिंग, सच अ फ्रूटफुल डिस्कशन, और विश यू बेस्ट ऑफ लक. बहुत अच्छा लगा हमेशा की तरह. एक ब्रेक, वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, हमारे साथ रहें. यकीनन आपके इल्म में होगा कि आए दिन शहादतें होती हैं, पाक फौज के जवान अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं, उनके कॉन्वॉयज के ऊपर, उनके डिफरेंट इंस्टॉलेशंस हैं, उनके ऊपर हमला होता है. लेकिन बदकिस्मती से अभी हमला सिर्फ सरहदों के ऊपर नहीं, बलूचिस्तान या फिर KPK में नहीं, बल्कि मुल्क के हर शहर में, हर जगह पर होने लगता है. डिसइन्फो लैब को हम भूल गए कि जब ये डिस्कवर हुआ कि किस तरह से हमारे दुश्मन मुल्क ने इन्वेस्टमेंट की कि पाक फौज को बदनाम किया जाए पूरी दुनिया में, उनके खिलाफ अवाम और फौज के दरमियान इख्तलाफात पैदा किए जाए, नफरत जो है वो पैदा की जा सके, और हमने बदकिस्मती से अपनी सियासी वाबस्तगियों में दुश्मन के एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, अपने वतन और अपनी फौज के खिलाफ जज्बात का इजहार करना, उनके लिए बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना, फौज का मोराल डाउन करना है, और यही वो चीज़ है जो कि इस वक्त पाकिस्तान के दुश्मन चाह रहे हैं. खुदा के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पे काम ना करें.
हंसते मुस्कुराते फैमिली प्रोग्राम डार और डार्लिंग के साथ हाजिर खिदमत हैं। भाई यही वो बातें हैं जिस पे लोग तुझे प्यार करते हैं। इतार बार बल्ले नारा हेरे पालार। अभी तो मेरी सिर्फ मंगनी हुई है एंगेजमेंट। साढ़े दिल दा परोना कोई ना तैनू चूरियां क्यों पा वे। ये पहला कहाँ है आपका जो जिसको चूरी का लालच दे रही हो आप? بسم ربك الذي خلق वेलकम बैक नाज़रीन। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, नेक काम करते हैं, तो आपकी मुश्किलें खुद ब खुद आसान होती चली जाती हैं, रास्ते बनते चले जाते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने कुरान पाक को मुनफरद तरीके से लिखने के बारे में सोचा। माशाल्लाह 7 रंगों का इस्तेमाल करके हाथ से कुरान पाक को लिखना शुरू किया और तकरीबन 100 किलोग्राम तक इसका वज़न हो जाएगा कुरान पाक का जब ये मुकम्मल होगा। अभी ये तहरीर के मराहल में है। तो वो शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है, किस तरह वो लिखते हैं, किस तरह वो काम करते हैं, कितना टाइम दिन में देते हैं इस काम को। यकीनी तौर पर वो खुशकिस्मत हैं और वो आज हमारे साथ यहाँ पर बैठे भी हुए हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं जनाब आसिम साहब से। जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं ये कुरान पाक लिखा जा रहा है और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? आसिम भाई माशाल्लाह बहुत खूब। इससे ये तो पता लग रहा है कि आपका खत्ताती से पुराना ताल्लुक है। जी सर। कितना अरसा हो गया इसका आगाज़ किए हुए और ये सोच आखिर आई क्यों? सर ऐसा है कि ये खत्ताती तो मैंने आज से 21-22 साल पहले सीखी थी माशाल्लाह, लेकिन ये जो शौक है और ये जो जज्बा है अभी ठीक है, ये आज से 5 माह पहले मुझे एक सोच आई कि मैं वैसे लिखता हूँ आयात वगैरह, तो क्यों ना ऐसा कुछ लिख के जाऊं कि जो रहती दुनिया तक जो है लोग मुस्तफीद हों इससे। और कलमी कुरान इसकी प्रिंटिंग नहीं होगी, ये ऐसे हाथ से लिखा है। आपने इतना नफीस और खूबसूरत लिखा है, मुझे ये बताएं कि इसमें जो रंग इस्तेमाल होते हैं जी, जी उन रंगों के लिए आपने मुख्तस जगह रखी होती है कि कौन सा रंग किस जगह पे इस्तेमाल होगा? जी बिल्कुल, उसमें काफ में अलग से होगा, नून में अलग से होगा, इस तरह 7 कलर आएंगे। ठीक है, 7 रंगों पर मुश्तमिल ये आप कर रहे हैं। ये कौन से सफ़े का इस्तेमाल कर रहे हैं? इसमें सर ये आर्ट पेपर है और ये टोटल वाटर प्रूफ है। हाँ जी, प्योर पेपर मैंने वही देख रहा हूँ, लेकिन इतनी नफासत माशाल्लाह से आपके काम है। हम वीडियो भी देख रहे थे कि कोई एक रंग दूसरे रंग के ऊपर नहीं आ रहा और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल प्रिंट हुआ हुआ कुरान। जी ऐसा ही है सर, ये जो कलमी कुरान है इसका अजर और सवाब बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसकी कोई हिस्ट्री है? जी तो इसका प्लीज बताएं इसके बारे में। इसका ये है कि इसका पढ़ने का अजर सवाब कई गुना ज़्यादा है इस्लाम में, और इसके वजन के बराबर पानी जो इस्तेमाल करेगा ठीक है उसमें शफा है। अच्छा ठीक अच्छा, है शफा तो कुरान पाक के है ही, लेकिन इसके कलमी कुरान के वजन के बराबर किसी को पानी अगर चाहिए तो वो मेरे से लेके जा। अच्छा, इसका कुरान पाक का वजन मुकम्मल होने तक 100 किलोग्राम तकरीबन 100 केजी के करीब हो। ये पेपर का वेट बहुत ज़्यादा है या कैसे, किस तरह इसका वेट? इसमें पेपर का वेट भी है तकरीबन ये 65 केजी पेपर का होगा, फिर इसकी प्लस जो लेमिनेशन है वो थोड़ी सी उसमें वेट बढ़ जाएगा उसका। और आप दिन में कितना वक्त इस काम पे लगाते हैं? इसमें ये है कि मैं 4 से 5 पेज डेली इस पे लिखता हूँ ठीक है, तो 1.5 घंटा मुझे एक पेपर। तो आसिम भाई इसके अलावा कुछ आप करते हैं आपका मुकम्मल तौर पर खताती से? सर यही है मेरा, तो इसको मैंने ज़रिया मुआश नहीं बनाया ठीक है,
तो मेरा हर्बल स्टोर है छोटा सा, माशाल्लाह हर्बलिस्ट हूँ मैं। और बाकी आप ये फुल वक्त जी इसी पर जो है ना इस वक्त लगा रहे हैं जी, और तकरीबन 5-6 घंटे आप इसको दे रहे हैं जी? सर एक पेज पे 1.5 घंटा है, 4 से 5 पेज लिखता हूँ इसके। सर जो है ये 5 पारों की 1 जिल्द बनेगी और ये 6 जिल्दों पर कुरान पाक बनेगा। माशाल्लाह। और अभी कितना काम आप कर चुके हैं इस पे? 11 पारे, 11वां पारा है मेरा ये। ठीक है, यानी कि दूसरी जिल्द चल रही है जी? दूसरी जिल्द या तीसरी चल रही है? 5 पारों पर ये है कि ये जिल्दें बाद में बनेंगी, इसके संगे मरमर के बॉक्स बनेंगे। अच्छा, ठीक है। और इसके लिए एक स्पेशल दियार की लकड़ी का एक रूम में तैयार करवाऊंगा, ठीक है, जिसके अंदर ही ये कलमी कुरान पढ़ा रहेगा, अंदर ही नमाज पढ़े, अंदर ही बैठ के ये कुछ। वैसे आपने प्लान किया है जब ये कुरान पाक मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद इसकी असल जगह कहाँ हो, इसको कहाँ रखा जाए, इसको किस तरह से लोग देख सकें? जी ये अल्लाह का हुक्म होगा तो वहीं जाएगा। मेरा वैसे ये इरादा है कि मैं या शाह फैसल मस्जिद में या मदीना शरीफ म्यूजियम में ये रखूँ, लेकिन लोग पढ़ें इसको। नहीं, हमारे से जितना हो सका हम ज़रूर आपकी मदद करेंगे जी, बल्कि आज प्रोग्राम करने का भी मकसद ही है। तो ये तकरीबन आपका मजीद कितना वक्त आपको दरकार है इसको मुकम्मल करने? इसको अभी सर 4 से 5 माह मुझे चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी इसका पेपर और प्रिंट होंगे, ठीक है, ये ख़त्म हो गए हैं इंशाल्लाह, फिर और प्रिंट करवा के 4 से 5 माह में मैं मुकम्मल करूँगा। बहुत सब्र आजमा काम है सर। ऐसा है कि जब मैं ये लिखता हूँ, ठीक है, एक तो बावजू होता हूँ, ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे उस टाइम कोई दुनिया का नहीं पता होता कि मैंने मेरे पीछे भी कोई खड़ा। और आप पहले लेड पेंसिल जो होती है कच्ची पेंसिल उससे लिखते हैं, फिर ऊपर मार्कर से डायरेक्ट लिखते जी, हैं डायरेक्ट। और आपका ख्याल रखना, उसको प्रूफ रीड भी साथ साथ जी बिल्कुल, हाफिज साहब हैं साथ, वो मेरी रहनुमाई करते हैं इसमें माशाल्लाह, ताकि इसमें कोई गलती ना हो। और क्या एक्सपेक्ट करें, कितने अरसे तक मुकम्मल कर लेंगे ये? अगर मुझे थोड़ा सा हार्ट अटैक हुआ था, स्टैंड डले हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये ब्रेक हुआ था, इंशाल्लाह ये 4 से 5। अच्छा, ये कोई खास खत भी होगा जिसमें लिखा जा रहा होगा? जी जी, ये खत नसख है, खत नसर, खत नसर। ये खत नसर की कहाँ से ताल्लुक रखता है? ये मिस्र से सर, मिस्र से ताल्लुक। इजिप्शियन। तो पहले जो दुनिया में सबसे पहला कुरान पाक लिखा गया वो तो ऊँट की खाल पे लिखा गया था। अच्छा 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 जी जी, तो इंशाल्लाह इसको मैं। तो आपके फन पारे जो हैं वो वैसे भी मौजूद हैं कहीं पर आपकी अपनी गैलरी में या कुछ? जी मेरे पास हैं, बिल्कुल मौजूद हैं, लेकिन कुरान का जो ये मामला है इंशाल्लाह ताला मैं बहुत जल्द इसको मुकम्मल करूंगा, और मेरा ख्वाब है कि लोग इससे बैठें, इसको देखें, पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है कि इस पर अमल करें। और वैसे कौन सी चीज़ थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आप अपने हाथ से कुरान पाक लिखना शुरू करें, क्योंकि आजकल हर चीज़ डिजिटल है, मशीनों से हर काम हो जाता है जी, तो लोग मेहनत कम करते हैं, कम करते हैं, लेकिन मेरे पास फन था तो अल्लाह पाक ने मुझे हुक्म दिया कि आप ये लिखो। कोई ऐसा वाकया जो आपकी ज़िंदगी में हुआ हो तो आपने सोचा हो कि मुझे अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस काम को देना है? जी मुझे असल में हार्ट की प्रॉब्लम थी, तो उस वजह से फिर मैं जब हॉस्पिटल एडमिट था तो उस टाइम भी ख्याल आया कि मैं कोई ऐसा काम कर जाऊँ रहती दुनिया तक जो लोग उससे मुस्तफ़ीद हों, पढ़ें और देखें, ठीक है, और इसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं बहुत अनमोल चीज़ ये बनाऊँगा। ये कौन सी इंक का इस्तेमाल होता है इसमें सर? ये जो खुद मैं इंक बना के इसमें डालता हूँ। और वो कैसे बनती है? वो सर एक ड्राई इंक कलर होते हैं, ठीक है, ड्राई कलर ये सिंपल मार्केट से मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें फिर अरके गुलाब और कोशिश है कि आप जमजम मिल जाए वो भी मैं इसमें डाल देता हूँ। अच्छा, अरके गुलाब के साथ आप जो है वो इसको लिख रहे हैं, और ये तमाम सात रंग में कौन कौन सा रंग आप इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सर? रेड है, ब्लैक है, ग्रीन है, ठीक है, लाइट ब्लू है, ठीक है, और पिंक है, ये सारे कलर इसमें आ रहे हैं आप देख रहे हैं। अच्छा, इससे पहले वैसे पाकिस्तान में कभी किसी ने कोशिश की है इस तरह का काम करने की? रंगीन कुरान पाक का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, सादा कुरान पाक लिखे हुए हैं, तो जिन उस्ताद साहब से मैंने पहले सीखा था उनका भी फैसल मस्जिद में कुरान पाक हाथ का लिखा हुआ है, मामनीन में मेरा नाम उसमें मौजूद है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है अगर खताती के सिलसिले में पाकिस्तान में जिक्र किया जाए जी, तो अब माशाल्लाह से रुझान बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं सर, बहुत ज़्यादा बढ़ा है रुझान, बढ़ा है ना जी, क्योंकि कंप्यूटर वो फ़ॉन्ट नहीं लिख सकता जो हाथ लिखता है। सही बात, क्या बात है। अच्छा, कुरान पाक लिखने का जब आपने काम शुरू किया इससे पहले आप खताती की प्रैक्टिस किया करते थे? जी बिल्कुल, मैं मुख्तलिफ आयात और मुख्तलिफ चार्ट्स वगैरह
लोग लिखवाते थे वो लोग खरीद सकते थे सेल इसकी कुरान का मैंने कभी किसी से नहीं इससे पहले जो वो जो फन पा रहे हैं जी जी नहीं वो भी नहीं आप सेल करते वो सब आपने अपने अरबी का मुझे उस्ताद साहब ने मना किया था कि इस तरह नहीं करना आप अच्छा तो ये तो हम देखते हैं कि ये तो फन बहुत ज्यादा बिकता है नहीं सर ये नहीं ऐसा आप सदकैन से ऑनवर्ड देखें तो सब जितने भी खताते हैं वो अपनी बना के बेचते हैं सर वो बेचते होंगे लेकिन इस तरह मेरे ज़हन में नहीं है अच्छा तो आप घर में अल्लाह की कलाम नहीं तो वो आपने पहले मुआश के लिए नहीं आपने बनाया जरिया मुआश नहीं सर तो आपने एग्जीबिशन की है अपनी नहीं सर अभी नहीं की अभी इंशाल्लाह ये मुकम्मल आपके कितने फन पारे इस वक्त मौजूद हैं मेरे तकरीबन 100 से ऊपर पड़ा हुआ मेरे पास डेढ़ तो इंशाल्लाह आसिम भाई जरूर जो है अल्लाह आपकी भी जिंदगी करे तो आपकी नुमाइश जो है ना वो जरूर हम लोग करवाते हैं बिल्कुल क्योंकि बहुत जरूरी है कि इतना खूबसूरत जब आप काम कर रहे हैं तो ये दुनिया के सामने भी आना चाहिए बिल्कुल ऐसे कोई मैसेज देना चाहेंगे सर मैसेज यही है कि ये अल्लाह पाक की जो कलाम है कुरान पाक ठीक है हम सब मुसलमानों पे अल्लाह पाक ने उतारा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा और हमें इस पे पढ़ने और इस पे अमल करने के अल्लाह पाक आमीन आमीन बहुत शुक्रिया जज़ाकअल्लाह आसिम भाई अल्लाह आपको सलामत रखे और आपका ये फ़न सलामत रहे और इसको मुकम्मल करें ताकि हम इसको दोबारा भी प्रोग्राम करें और इसको देखें भी और इसको पढ़ें भी बहुत शुक्रिया ख़वातीनों हज़रात मुझे सलमा को सुबह पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त मुलाकात होगी आप लोगों से कल बहुत सारा ख्याल रखें अल्लाह हाफ़िज़